वन वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सानी एंड टुडे आई विल टीच यू क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया तो गाइस ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन से हमारे एग्जाम में आने वाले हैं तो बहुत डिटेल में आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप और हमने पढ़ा कैसे यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज ने अपनी कंट्री को जो है फ्रीडम दिलवाया नेशन तेज बनी वहाँ पे ठीक है फ्रांस बना ब्रिटेन बना इटली बना जर्मनी बना ये सब हम नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ चुके हैं बट इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ये देशभक्ति वाली फीलिंग कि ये हमारा देश है ये सामने वाले हमारे भाई बंधु हैं ये फीलिंग इंडिया में कैसे इमर्ज हुई ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले और कैसे हमने स्ट्रगल्स लॉन्च करे वो ब्रिटिश जिन्होंने हमारे पे आके रूल करना शुरू करा उन्हें भारत से जो है भगाने के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो ये जो है ये हमने स्टार्ट कैसे हुआ ये सब ये फीलिंग आई जब लोगों में कि भाई ये अंग्रेज जो है हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं दे आर एनिमी ये हमारे एनिमी है ये हमारे दुश्मन है ये हमारे पे राज नहीं कर सकते हमारी कंट्री है इंडिया इज लैंड हमारी कंट्री है ये जब लोगों में ये फीलिंग आई ना तब हमने अपने मूवमेंट लॉन्च करे और इन्हें भगाया तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने आ रहे हैं और इसमें हम रोल पढ़ेंगे महात्मा गांधी का कि कैसे वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स को इकट्ठा लेकर आए कैसे उन्होंने नेशनलज्म की फीलिंग में बढ़ावा दिया कांग्रेस के रोल के बारे में पढ़ेंगे बहुत कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने आ हैं तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार ना रिकॉर्ड करना पड़ेगा नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या पढ़ा था और वो भी इंपॉर्टेंट है पता है क्यों रिकॉल कर रहे हैं हम तो आपने अभी पढ़ा नेशनिज्म इन यूरोप हुआ वहां पे फ्रांस बन गया ब्रिटेन बन गया जर्मनी बन गया इटली बन गया अभी अभी पढ़ के आए लास्ट चैप्टर में एंड यू नो उस चैप्टर में हमने एंड में ही पढ़ लिया था कि जैसे जैसे इन्होंने अपनी स्टेट्स बना ली ना जैसे कि दो स्टेट के बारे में ही बात कर लेते हैं जैसे कि फ्रांस बना ठीक है फ्रांस बन गया पूरा फ्रांस एस्टेब्लिश हो गया पूरा फ्रांस एक कंट्री बन गया इन्होंने अपनी जो है पावर अपने हाथ में ले ली तो पता है उसके बाद इन्होंने क्या करा इन्होंने दूसरी कंट्रीज को जाके कब्जा करना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी कॉलोनी कहना शुरू कर दिया जैसे कि फ्रांस ने क्या करा वियतनाम कंट्री जो है उसको अपनी कॉलोनी बना लिया उसके ऊपर कब्जा कर लिया उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू करा और ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने करा हमने ब्रिटेन के बारे में भी पढ़ा था ना नेशनलिज्म इन यूरोप में याद होगा आप लोगों को तो ये ब्रिटेन वालों ने क्या करा अपनी कंट्री तो बना ली ब्रिटेन और उसके बाद इनके पास जैसे ही पावर आई इन्होंने इंडिया को और बाकी काफी सारी कंट्रीज पर तो जाके क्या करा कब्जा लिया उनको तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या करा ब्रिटेन ने क्या करा हमारी कंट्री इंडिया हमारे भारत पे कब्जा कर लिया आगे और हमारे को अपनी कलोनी बना लिया पता कब्जा करके क्या कहते थे कि हमारी कॉलोनी है कॉलोनी बना लिया हमारे को अपने और हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा हमारा पैसा लूट के ले गए हम पता नहीं क्या क्या लूट के ले गए हमारी कंट्री से तो गाय जब इन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाया काफी समय तक इन्होंने हमारे पे अत्याचार करा तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो उस समय पे कैसे इंडिया में ये फीलिंग आई कि नहीं ब्रिटिशर्स हम पे रूज नहीं कर सकते हैं ये अत्याचारी हैं इन्हें भगाना पड़ेगा यहाँ से तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में कैसे आई ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है हाउ डिड दिस नेशनलिज्म फीलिंग एमर्ज इन इंडिया ये नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में कैसे आई और कैसे हमने मूवमेंट लॉन्च करके इन्हें यहाँ से भगाया ठीक है तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो गाइज रिकॉल कर रहे थे ना हम नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट कि ये नेशन स्टेट्स कैसे बनी की. तो हमने पढ़ा कि इनकी, इनकी क्या -क्या बन गई थी? बनी, फ्रांस बना जर्मनी का एक रोल प्ले करा था कलेक्टिव आइडेंटिटी ने देशभक्ति की फीलिंग जगाने के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था कलेक्टिव आइडेंटिटी जब लोगों को यह एहसास हुआ कि वी आर सेम हमारा ऑपरेसर सेम है जैसे फ्रांस में मोनार्क सब पे अत्याचार करा था तो सब इकट्ठे आ गए इटली में क्या हुआ सीक्रेट सोसाइटीयां बनी एक ऑप्रेसर के खिलाफ दो तो लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो गाइस नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में कलेक्टिव आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इन्होंने इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को बढ़ावा कैसे दिया था अपने अलग अलग सिंबल्स बनाए अपने फ्लैग लॉन्च करें ठीक है अपने सॉन्ग्स लिखे अपने गीत अपने फोक लोड्स लिखी और ये नेशनलिज्म देशभक्ति की फीलिंग को बढ़ावा दिया ऐसी अगर हमारी कंट्री में भी आप देखो कभी तो आप कोई देशभक्ति वाला गाना सुनते हो अपने आप ही आप थोड़े इमोशनल हो जाते हो थोड़े गुजबंस आ जाते हैं जब तो हम अपनी कंट्री का कोई देशभक्ति वाला गीत सुनते हैं कोई फोक लोड सुनते हैं वंदे मातरम सुनते हैं तो देखा कैसे गुजबम्स आ जाते हैं तो येस तो इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को कलेक्टिव आइडेंटिटी को बढ़ावा कैसे दिया था हम पढ़ चुप पढ़ के आए हैं ये सब हम सिम्बल्स के थ्रू आइकन्स के थ्रू एंड इन सब चीजों के थ्रू तो अब ये हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब कि इंडिया में ये नेशन स्टेट्स में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई हमने कलेक्टिव आइडेंटिटी को कैसे सीखा और उसको कैसे जो है हमने लिंक करा ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है तो यही है हमारा टॉपिक हाउ डिड नेशनलिज्म फीलिंग इमर्ज इन इंडिया इंडिया में देशभक्ति की कि ये हमारा भारत है ब्रिटिशर्स को रूल नहीं करने देंगे हम ये फीलिंग इंडिया में कैसे इमर्ज हुई तो गाइज इंडिया में और और भी सारी कॉलोनीज में ये फीलिंग इमर्ज होनी शुरू होती है कॉलोनी जैसे वियतनाम कॉलोनी थी फ्रांस की वहां पे भी ये लोगों में ये फीलिंग आई उन्होंने भी मूवमेंट लॉन्च करे तो गाइज इंडिया में और बाकी कॉलोनीज में भी नेशनलिज्म की फीलिंग इज कनेक्टेड विद एंटी कलोनियल मूवमेंट एंटी कलोनियल मूवमेंट दीदी ये क्या होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन ने इंडिया को अपना कब्जा लिया पहले और कब्जाने के बाद कहा कि इंडिया उसकी कॉलोनी है तो जब इन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बोलनी शुरू करा और हमने कहा हम तो कॉलोनी बनेंगे नहीं तो हमने क्या लॉन्च कर दी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट तो जब हमारी कंट्री में एंटी कलोनियल मूवमेंट लॉन्च हुआ जब हमने कहा ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो तो तब हमारे यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई जब पीपल को लगने लगा सब लोगों को यूनाइटेड फील होने लगा कलेक्टिव बिलोंगिंग लगने लगी कि भैया हमारा अत्याचारी तो सेम है हम आपस में क्यों लड़े हमारे पे अत्याचार ब्रिटिशर्स कर रहे थे पहले पहले क्या था अलग पता है हमारी कंट्री में ना इतनी फीलिंग कनेक्टेडनेस की नहीं थी जैसे नॉर्थ में अलग रूलर्स थे साउथ में अलग मराठा रूलर्स थे अलग ठीक है ईस्ट में अलग रूलर्स वेस्ट में अलग रूल पूरे इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज बनी हुई थी तो लोगों में ऐसी भाईचारे वाली इतनी फीलिंग नहीं थी सब अपनी अपनी डायनेस्टी में वहां मुगल आ गए वहाँ कुछ हो गया वहाँ कुछ हो गया फीलिंग नहीं थी लोगों में बिल्कुल भी नेशनलिज्म की ठीक है देशभक्ति की कि ये भारत है बट धीरे धीरे फीलिंग आनी शुरू होती है कब जब सबके ऊपर ब्रिटिश वर्स अत्याचार करने शुरू करते हैं अब सबका ऑप्रेशर सेम था पीपल बिगैन फीलिंग यूनाइटेड इन द प्रोसेस ऑफ अगेंस्ट कलोनी अब सबका ऑपरेसर एक था कौन ब्रिटिशर्स ठीक है द सेंस ऑफ बीइंग बींग्रेस्ड अंडर कलोनियलिज्म यहाँ लिखा है ना जब प्रेसर कौन बना ब्रिटिशर बन गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ब्रिटिशर्स ने सबको तंग करा तो जब ब्रिटिशर्स हमारे ऑप्रेसर बने जब एक दुश्मन हमारा हुआ तब हमारे माँ नेशनलिज्म की फीलिंग और इंडिया में नेशनलिज्म स्ट्रगल लॉन्च हुए अब देखो हमारे यहाँ नेशनलिज्म के स्ट्रगल लॉन्च हुए हमारे यहाँ आज़ादी की चाह बड़ी लोगों में फ्रीडम की जो मांग थी वो करनी शुरू करी लोगों ने बट सबके लिए फ्रीडम का मतलब अलग था सारे अलग अलग ग्रुप्स जैसे पुअर फार्मर्स जिनके ऊपर जो है अत्याचार करते ब्रिटिशर्स उनके लिए फ्रीडम मतलब अलग था वो चाह रहे थे उनका कुछ रेवेन्यू कम हो जाए उनके लिए फ्रीडम वो था अब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए उनके लिए फ्रीडम अलग था वो चाह रहे थे ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हमारा बिजनेस इंक्रीज हो तो फ्रीडम है सबके लिए फ़्रीडम के मीनिंग अलग थे गाइस तो ऐसे में तो हमें आज़ादी नहीं मिलती जब सब अलग अलग, अलग बातें करें नहीं इकट्ठा लाने की अभी भी बहुत ज़रूरत थी तो वो काम किसने करा वो काम करा महात्मा गांधी ने कांग्रेस का भी इसमें रोल है तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे जब लोगों के लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग अलग था तो उनको एक धागे में इकट्ठा कौन लेकर आए कैसे यूनाइटेड की फीलिंग और इंक्रीज हुई वो हम इस चैप्टर में पढ़ने हैंस हैं कांग्रेस अंदर महात्मा गांधी फोर्ज दीज ग्रुप्स हर ग्रुप में आ गई थी नेशनलिज्म की फीलिंग सब में आई नेशनलिज्म की फीलिंग सब कह रहे थे ब्रिटिशर्स को भगाओ बट अभी तो कुछ कसर बाकी थी तो वो सब ग्रुप्स को हर, सब ग्रुप अलग अलग थे और ब्रिटिशर्स करते ही थे डिवाइड एंड रूल पांच ग्रुप अलग अलग हैं उनमें ज्यादा पावर होगी या पांच के पांच ग्रुप इकट्ठे आ जाएंगे उनमें ज्यादा पावर होगी आप कहोगे दीदी जब इकट्ठे आएंगे तब जब तब ज्यादा पावर होगी तो वही हम पढ़ेंगे कैसे सब ग्रुप्स इकट्ठे आए और कैसे हमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया ठीक है तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी ने रोल प्ले करा इन ग्रुप्स को इकट्ठा लाने में बट ये जो तो फ्रीडम हमें मिला मैंने कहा ना हमने ब्रिटिशर्स को भगाया तो ये आसान नहीं था ये काम कॉन्फ्लिक्स भी बहुत हुए वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले तो देखो यहाँ बताया इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब इस चैप्टर में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन ठीक है तो गाइस सबसे पहला रोल जो नेशनलिज्म की फीलिंग प्रमोट करने के लिए इंडिया में प्ले करा था जो बूस्टअप हुई लोगों में कि भैया ब्रिटिशर्स हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं वो फीलिंग बूस्टअप सबसे पहले हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया ने तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे से क्या मतलब है हमने तो लड़ाई नहीं फर्स्ट वर्ल्ड बट नहीं हमारे से कनेक्शन था क्या था इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ा बट ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ नाइनटीन से नाइनटीन तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ अब उस समय पर इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी ठीक है ये आप मान लो ये ब्रिटेन है और हम इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो हम लोगों ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करा फर्स्ट वर्ल्ड में बट ये लोग तो लड़ने जा रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड में तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे हमारे यहाँ से पैसा लेते थे हमारे भाइयों को ले जाते थे सोल्जर्स बना के अपने वॉर में लड़वाने के लिए और बहुत इन्होंने हमारे को जो है एक्सप्लोय करा ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी तो तब इंडियंस को लगा कि भाई हमारा तो है ही नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतेंगे तो वाहवाही तो ब्रिटिशर्स की होगी और सोल्जर्स हमारे भाई मर रहे हैं उस वॉर के अंदर तो जब लोगों को ये रियलाइज हुआ तब नेशनलिज्म की फीलिंग इंक्रीज हुई तो देखो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इंपैक्ट इन इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका इंपैक्ट क्या हुआ इंडिया में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर तो गाइज इम्पैक्ट तो पढ़ाऊंगी मैं आपको वन टू थ्री फोर फाइव इम्पैक्ट हुए बट इंपैक्ट के रीजन क्या थे वो भी पढ़ेंगे हम तो सबसे पहले देखो यहाँ जो है इन लोगों का ह्यूज एक्सपेंडिचर हुआ अपने डिफेंस पे यहाँ पढ़ो आप अव्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर अब भैया ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे अब वॉर लड़ने के लिए गोली बारूद चाहिए ऐसी तो वॉर लड़ने लेंगे बहुत सारी बंदूक के टैंक सोल्जर्स के लिए कितने

इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस हशटैग वन इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस तो आजकल आप सब इनकम टैक्स देते होंगे आपके पेरेंट्स जो आप इनकम कमाते हो जो आप भी उस पर आप टैक्स देते हो तो कैसे ऐसे ही इन्होंने हमारी कंट्री में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया पैसा इन लोगों को चाहिए वॉर ये लड़ रहे हैं जीतेंगे तो वाह भाई इनकी होगी बट पैसा कौन दे रहा है इनका उन इनके वॉर के खर्चे चलाने के लिए इनकम टैक्स कौन भर रहा है हम इंडियंस भर रहे हैं तो दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड लोगों को फीलिंग आई बाद में कि कैसे लड़ वो रहे हैं पैसा हम दे क्यों भाई हम क्यों दे पैसा दिस वॉज द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वार क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा कि इन लोगों का बहुत खर्चा हुआ डिफेंस पे तो इन्होंने हमारी कंट्री में कस्टम ड्यूटीज लगा दी एंड टैक्सेज लगा दी डायरेक्ट आपको एक पॉइंट लिख देना है सेकेंड इम्पैक्ट क्या हुआ देव फोर्स रिक्रूटमेंट इन इंडिया फोर्स रिक्रूटमेंट हुई फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया जाने लगा ठीक है हमारे जो देश के जितने भी बेटे थे लड़के थे उनको जबरदस्ती जो था सेना में भर्ती कराया जाने लगा अब भैया हो जाते हम सेना में भी भर्ती बट इंडिया के लिए अगर लड़ाई होते तो हो जाते ना भाई ब्रिटिशर्स की लड़ाई के लिए हम क्यों सेना में भर्ती हूँ तो दिस वॉज नोन एज अ फोर्स रिक्रूटमेंट विजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर विलेजेस में से जो है हमारे जितने भी भाई थे उनको ज़बरदस्ती जो था सोल्जर बनाने के लिए ब्रिटेन ले जाते थे आर्मी में वहाँ वो जंग लड़ने क्यों लड़े जंग भाई हमारी कंट्री की जंग होती तो विजेस जाते लड़ने बट जब हमारी कंट्री की जंग य नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतेगा तो ब्रिटेन की वाहवाही होगी हमारी तो नहीं होनी थी तो हम क्यों जाते कोई नहीं जाना चाहता था तो इन्होंने फोर्स रिक्रिप में ज़बरदस्ती सोल्जर्स को भाले गए अब तब तुम विलेजर्स में से जितने भी फार्मर्स थे जो भी विलेजेस में काम करते लोग उनको सोल्जर्स बना के भर, सेना में ले गए तो हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा रूरल एरियाज में हमारे यहाँ बहुत क्रॉप फेलियर्स भी हुए एंड सो ऑन बहुत कुछ दिक्कतें आई ठीक है एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट रूरल एरिया कॉज वाइड स्प्रेड एंगर और लोगों को गुस्सा भी बहुत आया कि भाई हम क्यों जाए लड़ने एंगर आया हम हम पढ़े हैं ना मैंने आपको क्या बताया कि नेशनलिज्म जो अब इंक्रीज हुआ उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत इफेक्ट था क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इन्होंने इनकम टैक्स लगा हमें लगा हम हम क्यों दे भैया टैक्स लड़ तुम रही हो टैक्स हम दे सबके ऊपर लगा इनकम टैक्स सबको यही फीलिंग आई ठीक है तो इससे नेशनलिज्म की फीलिंग इंक्रीज हुई दूसरा जब विलेजेस में से इन लोगों ने हमारे जितने भी विजर्स को फोर्स रिक्रूटमेंट कराया सोल्जर लगवाए तो सो गुस्सा है हम क्यों लड़े भाई तुम्हारा वॉर तुम लड़ो हम क्यों लड़े तो भैया फिर से की थोड़ी बहुत फीलिंग हुई नेक्स्ट क्या हुआ जितना भी वॉर ईयर चला उन दिनों इन्होंने क्या करा हमारे यहां महंगाई बढ़ती गई हमारे यहां पे इतनी महंगाई बढ़ गई डबल हो गए दिस वॉज थर्ड इंपैक्ट पहला इंपैक्ट क्या पड़ा इनकम टैक्स लगा दिया हमारी कंट्री में दूसरा इंपैक्ट पड़ा फोर्स रिक्रूटमेंट करी यानी कि हमारे यहाँ से विलेजर्स को उठा के सोल्जर बना दिया गया और अपनी आर्मी में लड़वाने के लिए तीसरा इंपैक्ट क्या हुआ वॉर प्राइस के दौरान प्राइजेस डबल हो गए प्राइजेस इंक्रीज तो हैशटैग थ्री लिख लो गए साथ साथ में छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो आपनेश टैग थ्री प्राइजेस इंक्रीज प्राइजेस डबल हो गए अब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है यानी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ना बहुत गलत होता है गाइज और जो लोग होते हैं कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है महंगाई में सर्वाइव करना तो लोगों के लिए हार्डशिप आई अब भाई महंगाई बढ़ रही थी वैसे ही खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी बढ़ रही थी ऊपर से एक और चीज़ हो जाती है क्या हो जाती है हमें हाँ बताया ना नाइनटीन से नाइनटीन में महंगाई बढ़ रही थी और जैसे ही महंगाई को तो हम झेल ही रहे थे साथी के साथ 1918 के अंदर क्या हो जाता है क्रॉप फेलियर हो जाता है 1918 टू 1919 में क्या होता है क्रॉप फेलियर हो जाता है फसलें खराब हो जाती हैं तो और महंगाई पहले से महंगाई चल रही थी अब जो फसल उगनी थी वो भी नहीं उगी तो समझ जाओ आप और महंगाई हो गई एंड नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन में फिर से क्रॉप फेलियर होता है तो ये पूरा समय इतना हार्डशिप का निकला हमारी कि हमारी कंट्री में फूड शॉर्टेजेस हो गई एक्यूट फूड शॉर्टेजेस खाने तक के लिए लोगों पर खाना नहीं था तो ये सब किसकी वजह से हुआ ये वर्ल्ड वॉर वन की वजह से हुआ इनकी वजह से ही तो इतनी महंगाई बढ़ी इनको पैसा चाहिए था हमारे यहाँ लगा रहे थे और पता नहीं क्या क्या करते थे हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी फिर क्रॉप फेलियर हो गया दोबारा क्रॉप फेल हुआ 1918 में भी हुआ नाइनटीन में भी हुआ और उससे हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेजेस हो गई एंड लास्ट क्या हुआ गाइस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक दिस इज द लास्ट आप कह सकते हो हमारा इम्पैक्ट ठीक है इन जैसे अभी 2020 में कोरोना वायरस आया ना गाइस वैसे ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया ये क्या था एपिडेमिक मतलब महामारी अब आज के समय पे तो इतनी साइंस टेक्नोलॉजी है तब भी हमने देखा कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट है आज तक हम लोगों क्या कितनी जाने गई लोगों की कितनी डेथ्स हुई तो उस जमाने में जब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया एंड फेमाइन भी थी एक्यूट शॉर्टेज थी फूड की तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा गाइस ऑलमोस्ट अब यहाँ यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू द सेंसेज ऑफ 1921 1921 में जब सेंसेस हुआ तो पता चला बारह से तेरह मिलियन लोग जो थे पेरिस यानी कि उनकी डेथ हो गई या तो इन्फ्लुएंजा की वजह से या फेमाइन की वजह से तो आप देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर लड़ वो रहे थे ब्रिटिशर्स सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें हुई तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तो पहला हो गया टैक्सेस एंड इनकम ड्यूटीज वर इंक्रीज तो आई होप ये स्लाइड से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो पहला हो गया टैक्सेस एंड इनकम ड्यूटीज वर इंक्रीज ठीक है और इनकम टैक्सेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो जो नॉर्मल टैक्स थे वो भी इंक्रीज़ करें इन्होंने कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज करी इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा और वो क्यों करा था टू इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना एम्यूनेशन वगैरह पे जो ने खर्चा करना था उसके लिए सेकंड इंपैक्ट क्या था फोर्थ रिक्रूटमेंट इन टू ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश आर्मी ने इन्होंने जबरदस्ती लोगों को जो है भेजा ठीक है थर्ड इंपैक्ट हमने क्या पढ़ा अपना प्राइजेज ऑल्सो इंक्रीज एंड डबल बिटवीन नाइनटीन थर्टीन टू एटीन इंक्रीज भी हुए और डबल हो गए उन्नीस सौ तेरह से उन्नीस सौ अट्ठारह में प्राइजेस फोर्थ इंपैक्ट हमने क्या पढ़ा गाइस फूड शॉर्टेजेस हुई क्योंकि दो बार क्रॉप फेल फेलियर फसल उगी नहीं खराब हो गई सारी फसल फार्मर की सारी मेहनत खराब हो गई फसल नहीं होगी तो मतलब शॉर्टेज हो जाएगी खाने की 1918 से 1920 में दो क्रॉप फेलियर हो गए ये हमारा फोर्थ इंपैक्ट था फिफ्थ इंपैक्ट क्या पर हमने पढ़ा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा आप समझ सकते हो जैसे अब करोना वायरस आया उस समय पर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया एंड उसकी वजह से बहुत जाने गई और जब फूड शॉर्टेजेस थी तो फेमाइन यानी कि भुखमरी भी हो गई ठीक है उससे हमारी कंट्री में जब सेंसेस हुआ उन्नीस सौ इक्कीस में तो पता चला बारह से तेरह मिलियन लोग बारह से तेरह मिलियन कितने होते हैं मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लोगों की डेथ हो गई तो दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन आर कंट्री तो गई लोगों को लग रहा था अब परेशानी खत्म होगी अब परेशानी खत्म होगी लोगों को लगा रहा वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाएगा तो परेशानी खत्म हो जाएगी बट पर ये परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी एक के बाद एक कभी महंगाई बढ़ी है कभी फेमाइन आ रही है कभी एपिडेमिक आ रहा है कभी घर से लोगों को उठा के ले जाने सेना में भर्ती करने के लिए एक के बाद एक हार्डशिप्स आ रही थी लोगों की जो तंगी थी जो मुसीबतें थी वो खत्म नहीं हो रही थी तो एट दिस स्टेज इस समय पे, एक नए लीडर इमर्ज होते हैं कौन हमारे लीडर एक बहुत लीडर हमारे अमेजिंग लीडर अमेर होते हैं जिन्होंने हमारे इस स्ट्रगल को यानी कि जो लोग इतनी हार्डशिप सहन कर रहे थे उन लोगों को इकट्ठा लाने का काम करा कि अब हम ये नहीं सहेंगे हम आवाज़ उठाएंगे और उन्होंने ये काम करा मूवमेंट्स लॉन्च करे, ब्रिटिशर्स से जो है कि अगेंस्ट स्ट्रगल्स लॉन्च करे वो एक लीडर आए हमारे यहाँ कौन थे वो लीडर कैन यू गेस द लीडर यस पता है हमारे को कौन से लीडर है वो यस यू ऑल आर राइट महात्मा गांधी जी तो महात्मा गांधी जी आते हैं और हमारी कंट्री को एक बिल्कुल ही न्यू आप कह सकते होप मिलती है कि येस फाइनली वी विल स्टार्ट आर फ्रीडम स्ट्रगल तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया नाइनटीन जनवरी जनवरी में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं कहाँ से, से आते हैं साउथ अफ्रीका से आते हैं ठीक है यंग एट दैट टाइम तो ये तो उनकी बात की फोटो है तो महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं और अभी जब वो इंडिया आए होते हैं वो साउथ अफ्रीका में भी कुछ स्ट्रगल वगैरह लॉन्च करके आए होते हैं देखो साउथ अफ्रीका में भी देयर आर वॉज रेसिसम हमने छोटे होते हुए पढ़ा था एट में आप के बारे में कैसे साउथ अफ्रीका में भी जो है रेसिज्म होता था तो वहां पर भी महात्मा गांधी जो थे एक स्ट्रगल लॉन्च करके आए थे आवाज उठा के आए थे अपनी थ्रू अ वेरी यूनिक मेथड जिसको वो कहते थे सत्याग्रह तो महात्मा गांधी और प्रेसर यानी अत्याचारी के खिलाफ लड़ते थे बट उनसे लड़ने के लिए महात्मा गांधी का ना एक बहुत अलग सा अपना ही एक वो था क्या कह सकते हो आप स्ट्रैटेजी थी एक अलग सा उनका एक सिस्टम था एक अलग सा एक प्रोसेस था उसको वो क्या कहते थे मास एगिटेशन का उसको वो कहते थे सत्याग्रह गांधी जी कहते थे कि हम लड़ेंगे जैसे ब्रिटिशर्स हम पे अत्याचार कर रहे हैं हम लड़ेंगे उनसे बट हम ऐसे गोली बारूद लाठी उठा के नहीं लड़ेंगे हम क्या करेंगे पीसफुल बिल्कुल चुपचाप अपनी सच्चाई वाली बात बता के उनसे लड़ेंगे वो कहते थे कि अगर हमारा जो है कॉज है वो सच्चाई के लिए यानी कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आपको लाठी उठाने की जरूरत नहीं है एंड इसी को हम सत्याग्रह है कहते हैं तो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया है 1915 में इंडिया है कहाँ से? से है साउथ अफ्रीका से है साउथ अफ्रीका में वो उन्होंने अभी अभी क्या करा था एक स्ट्रगल लॉन्च करा था अगेंस्ट द रेसिस को एक नॉवल मेथड बोला जाता है उसके थ्रू उन्होंने वहां पे भी एक स्ट्रगल लॉन्च करा था वहां उन्हें उसकी सक्सेस मिली तो अब वो इंडिया आते हैं और इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च करते हैं तो अभी पहले डिटेल में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में वॉट इज सत्याग्रह तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑफ सत्याग्रह ठीक है, है गाइस तो गांधी जी के आइडिया ऑफ सत्याग्रह को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है मिले क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो गांधी जी का जो आइडिया त्य ग्रह था वो एम्फोसिस करता था दो चीजों पे क्या सबसे पहले द पावर ऑफ ट्रुथ में सच्चाई की पावर में एंड नीड टू सर्च द ट्रुथ तो गांधी जी कहते थे कि अगर आपकी बात में सच्चाई है एंड जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है वो इस सच्चाई को अगर समझ जाए तो आप लोगों को वायलेंस करने की जरूरत नहीं है नॉन वायलेंस पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू भी हम जो है अपनी बात जो है मनवा सकते हैं एंड अपना जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सकते हैं वो कहते थे इफ द कॉज वॉज ट्रू अगर सच्चाई है आपकी बात में सच्चाई है और आपका स्ट्रगल है इन जस्टिस अगर अन्याय के खिलाफ इनजस्टिस मतलब अन्याय अगर अन्याय के खिलाफ आपकी लड़ाई है देन आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं आपको लाठी उठाने की जरूरत नहीं है और प्रेसर के खिलाफ तो गांधी जी क्या गा कहते थे अगर आपकी बात में सच्चाई है और अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ यानी कि आप अन्याय एक होता है न्याय एक होता है अन्याय अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको फोर्स फिजिकल फोर्स यानी वायलेंस की जरूरत नहीं है विदाउट सीकिंग मेनेजेंस यानी कि आप बिना बदला लिए जो है और बिना अग्रेसिव हुए भी सत्याग्रह के थ्रू जो है नॉन वायलेंस के थ्रू अपनी जंग को जीत सकते हो वो कैसे जीतोगे बाय डीलिंग विद द कॉन्साइंस ऑफ द देश तो गांधी जी का कहना था दैट अगर हमारी जो लड़ाई है वो सच के लिए है अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई में उस जंग में हमारे को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो जंग हम जीत सकते हैं कैसे जीतेंगे दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग अपील करके कॉन्साइंस यानी कि अंतर को अपील करके किसके हमारे ऑपरेसर के जो हमारा अत्याचारी है ना उसके अंतरात्मा को उसके मन को समझाएंगे हम कि वो गलत कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है और वो हम समझाएंगे कैसे पीसफुल प्रोसेशन से हथियार उठा के नहीं समझाएंगे उसे ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं बनवाएंगे हम उसको परसुएट करेंगे कि वो हमारी बात को समझे देखो आप पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर ऑपरेसर कौन हुआ ब्रिटिशर्स हो गए कि ब्रिटिशर्स को खुद से समझ में आए उन्हें खुद सच्चाई दे दिखाई दे इंस्टेड ऑफ बींग फोर्स टू एक्सेप्ट द थ्रू ठीक है तो गांधी जी का कहना था कि अगर हम जो है पीसफुली अपनी

वो सोचते थे कि ये नॉन वायलेंस ही सारे के सारे इंडियंस को यूनाइट करेगा ये नॉन वायलेंस जब वो कहेंगे सबको कि हम सत्याग्रह करेंगे पीसफुली जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए कोशिश करेंगे तो उससे सब इंडियंस इकट्ठे आएंगे तो इसलिए महात्मा गांधी ने अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह लॉन्च कर हमारी कंट्री में तीन सत्याग्रह लॉन्च करते हैं तीन अलग अलग जगहों पर उससे क्या होता है लोगों को आइडिया ऑफ सत्याग्रह और अच्छे से समझ में आता है और गांधी जी को समझ में आता है कि अब जो है ये सत्याग्रह को और बड़े लेवल पर लेके जाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स तक अपनी बात और बड़े

इफ़ द कॉज वॉज ट्रू अगर जो है आपका जो कॉज है वो ट्रू है और फाइट जो है वो इनजस्टिस के खिलाफ है तो उस समय में आप क्या करोगे उस समय में आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है आप पीसफुली भी जो है अपनी बात मनवा सकते हो जंग जीत सकते हो वो कैसे होगा जब आप ऑपरेसर अत्याचारी के कौन साइंस उसके मन से डील करोगे अत्याचारी को खुद जो है सच समझना पड़ेगा उसके ऊपर सच थोपा नहीं जाएगा उसको परसुएट करा जाएगा कि वो सच को समझे और जो है सही रास्ते पे चले तो ब्रिटिशर्स को समझ में आए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और सही रास्ते पे चले ये था गांधी जी का सत्याग्रह ठीक है और गांधी जी वॉज टोटली बिलीव वॉज अ बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस ठीक है वो चाहते थे कि जो भी हम सत्याग्रह करें जो भी हम मूवमेंट करें वो नॉन वायलेंट हो पीसफुल हो हम बहुत शांत तरीके से बिना कोई हथियार उठाए अपनी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचाए तो इसलिए उन्होंने तीन मूवमेंट भी लॉन्च करे सत्याग्रह के बेस हमारी कंट्री के अंदर उन तीन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो वो तीन मूवमेंट

इंडिगो उगवाया जाता है इंडिको एक टाइप की डाई होती है जिसकी ब्रिटिशर्स को जरूरत थी अब इंडिगो उगाने से फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा था ठीक है अब इंडिगो अगर वो कहते थे उनके जो वो फार्म होता था उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी और उन्हें प्रॉफिट भी नहीं होता था तो इसलिए गांधी जी से उन्होंने अपील करी पीजेंट्स ने कि वो आगे गांधी जी उनकी मदद करें एंड इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स सारे के सारे मिल के यहाँ चंपारण के अंदर जो है स्ट्रगल लॉन्च करते हैं एंड उसको क्या बोला जाता है बहुत पॉपुलरली बोला जाता है चंपारण मूवमेंट बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको समझ गया चंपारण मूवमेंट जो था गांधी जी जाते हैं वहाँ पे मूवमेंट लॉन्च होता है एंड 1917 में जो है थ्रू पीसफुल प्रोसेसन सत्याग्रह के थ्रू ये पहला मूवमेंट लॉन्च होता है चंपारण मूवमेंट दूसरा मूवमेंट होता है गाइस खेडा सत्याग्रह खेडा कहाँ है गुजरात में है ये सत्याग्रह जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है टू सपोर्ट द पीजल ऑफ खेदार डिस्ट्रिक्ट खेदार डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स थे उनको तो गाइस अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्रॉप फेलियर हो गया था 1918 में क्रॉप फेलियर हुआ 17 में पूरा ये जो पूरा समय चला ये बहुत ही बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था तो क्या किसानों की फसलें तो खराब हो गई बट ये ब्रिटिशर्स रेवेन्यू फार्मर्स से मांग रहे थे टैक्स तब भी मांग रहे हैं फसल फार्मर की ख़राब हो गई बिका ही नहीं कुछ तो पैसे काँसते होंगे फार्मर पे देने के लिए इनको बट ये नहीं मान रहे थे ये कह रहे हमें हमारा रेवेन्यू दो हमें हमारा रेवेन्यू दो तो अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेल्यूर एंड प्लेग एपेडेमिक द पीजेंस ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू उन रेवेन्यू वो नहीं दे पाते एक महामारी ऊपर से कितना ज़्यादा क्या था हमारा क्रॉप फेलियर भी हो गया पैसा ही नहीं था फार्मर्स के ऊपर और तब भी ये ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हमें तो हमारा रेवेन्यू चाहिए हमें हमारा रेवेन्यू दो तो इसलिए जो है हमारे ये जितने भी पीजेंस थे इन्होंने स्ट्रगल लॉन्च करा महात्मा गांधी ने इनकी हेल्प करी व अदर लीडर्स ऑल्सो जब आप बड़े हो गए वो बहुत डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ोगे खेदा मूवमेंट वगैरह को डिटेल में पढ़ोगे तो और भी लीडर्स थे और जो मेन रोल था महात्मा गांधी के बारे में अभी हम इसमें पढ़े हैं तो विद द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी खेड़ा में भी सत्याग्रह लॉन्च हुआ डिमांड क्या थी खेड़ा सत्याग्रह की ये जो रेवेन्यू है वो रिलैक्स कर दिया जाए यानी कि जो ब्रिटिशर्स है वो रेवेन्यू माफ कर दें क्योंकि जो है ऑलरेडी क्रॉप फेलियर हो चुका है एपिडेमिक हो चुका तो किसानों के पास पैसा नहीं था ठीक है नेक्स्ट हमारा थर्ड हुआ हमारा अहमदाबाद कॉटन मिल सत्याग्रह जो 1918 में हुआ ये सत्याग्रह में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, गए और वहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करा उनकी हेल्प करी सत्याग्रह लॉन्च करने में तो ये तीनों सत्याग्रह हमने पढ़ लिया चंपारण मूवमेंट भी खेदा गुजरात वाला सत्याग्रह भी एंड अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर का सत्याग्रह भी तो ये तीनों मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहे तो गांधी जी को समझ में आया कि उनका ये आइडिया वर्क कर रहा है देन ही डिसाइडेड सक्सेस जब उन्हें मिली इन तीनों मूवमेंट में देन ही डिसाइडेड कि अब वो एक और नेशन वाइड ये तो खाली देखो ये मूवमेंट सिर्फ बिहार बिहार में था ये सिर्फ गुजरात के खेडा डिस्ट्रिक्ट में था ये सिर्फ अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए था नेशन वाइड नहीं था अलग अलग, अलग ग्रुप्स के लिए था तो अब गांधी जी सोचते हैं कि एक नेशन वाइड पूरे देश को इकट्ठा लाने का एक मूवमेंट वो लॉन्च करेंगे और वो मूवमेंट वो लॉन्च करने का किसके खिलाफ़ सोचते हैं रोलेट एक्ट के खिलाफ अब देखो चंपारण मूवमेंट लॉन्च हुआ तो एक प्रॉब्लम थी उसके खिलाफ मूवमेंट लॉन्च हुआ यानी कि इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स को प्रॉब्लम थी इंडिगो उगाने की तो लॉन्च हुआ यहाँ पर रेवेन्यू कम कराने के लिए हुआ तो हर एक कोई मुद्दा था तभी तो उस पर लॉन्च हुआ तो अब नया मुद्दा हमारे देश के लिए खड़ा हो जाता है वो क्या है गाइज रॉलेट एक्ट 1919 एंड उसी के खिलाफ जो है महात्मा गांधी एक पीसफुल मूवमेंट लॉन्च करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है रॉलेट एक्ट तो गाइज अब हमें टॉपिक द रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है तो रॉलेट एक्ट क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ और अब आप ये समझ चुके हो कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोई भी सत्याग्रह जब लॉन्च हुआ तो उसके पहले का एक रीजन था ठीक है चंपारण मूवमेंट लॉन्च हुआ उसके पहले एक रीजन था इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी खेडा गुजरात में सत्याग्रह लॉन्च हुआ उसके पीछे एक रीजन था तो गाइज ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था रॉलेट एक्ट वजह से एक मुद्दा ऐसा बना जिसकी वजह से गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करा तो लेटेस्ट स्टडी रॉलेट एक्ट क्या था तो देखो ये जो रॉलेट एक्ट है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में तो रॉलेट एक्ट को ना ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है यानी कि काला कानून बोला जाता है क्यों क्योंकि ये बहुत अनजस्ट था अन्याय था इसमें इंडियंस के हक में इसमें एक भी बात नहीं थी सब कुछ सरासर इंडियंस के साथ गलत हो रहा था इस एक्ट के थ्रू ठीक है अब ये एक्ट कब पास हुआ था ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता एग्जाम में ये एक्ट पास हुआ था इन 1919 बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द लॉ मेकिंग बॉडी ठीक है अब आपने जो है गाइज अभी इतनी सिविक्स आप पढ़ चुके हैं आपको पता है लेजिस्लेटिव होता है जो लॉज बनाते हैं एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉज एग्जीक्यूट करते हैं जुडिश्री होती है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसने बनाया ये लॉ रॉयलट एक्ट अब यहाँ इंपीरियल क्यों लिखा है क्योंकि ब्रिटिशर्स की लॉ मेकिंग बॉडी थी तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉयलेट एक्ट पास करा और ये एक्ट बहुत जल्दीबाजी में पास करा गया ठीक है एंड जब ये एक्ट पास हुआ तो जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स थे ना जो इंडियंस थे उन्होंने मना भी करा कि ये पास ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए बट ब्रिटिशर्स ने यह एक्ट पास कर दिया कब करा नाइनटीन नाइनटीन में अब ये एक्ट बिल्कुल ही गलत था इसमें तीन स्टेटमेंट्स दी गई थी तीन दलीलें थी और तीनों इंडियंस के हक में नहीं थी कौन सी थी मैं आपको समझाती हूँ सबसे पहले ये थी कि इसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी नोमस पावर दी थी कि गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेशन को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक सकती है यानी कि अब अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि अरे यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है अरे बड़े सत्याग्रहीज इकट्ठे हो गए अरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्ट्राइक हो रही है तो उसने पावर दी दी ने गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट उसको रुकवा सकती है कोई स्ट्राइक हो रही है पीसफुल भी अगर कोई अपनी मांगे कर रहे हैं इंडियंस को स्ट्राइक के थ्रू प्रोटेस्ट के थ्रू गवर्नमेंट उसको रोक सकती है दूसरी पावर इसने क्या दी गेव गवर्नमेंट ए नॉमरस पावर टू अरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स ठीक है दूसरी पावर क्या देती गवर्नमेंट कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है पॉलिटिकल लीडर्स क्यों यानी कि आप समझ जाओ वो लोग जो इन स्ट्रगल्स को लॉन्च करते हैं जो लोग लोगों को इकट्ठा लेके आ रहे हैं आवाज उठाने के लिए तो अगर कोई ऐसा लीडर है जो ऐसे कुछ स्ट्रगल्स लॉन्च कर रहे हैं कोई सत्याग्रह लॉन्च कर रहे हैं मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं लोगों को जागरूक करें कि ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं और अगर ब्रिटिशर्स चाहें तो उन लीडर्स को उठा के जेल में डाल सकते हैं अच्छा ठीक है चलो जेल में भी डाल दिया अब जेल में डालने के बाद एक और पावर योलिट एक्ट गवर्नमेंट को देता है क्या एंड टू प्रिजन देम विदाउट एनी ट्रायल फॉर टू ईयर्स यानी कि जब एक पॉलिटिकल लीडर को उठा के ये लोग जेल में डाल देंगे उसके बाद इनको एक और पावर मिल गई कि ये विदाउट एनी ट्रायल ट्रायल मतलब होता है गाइस पेशी विदाउट एनी पेशी के दो साल तक उस लीडर को अपने पास जेल में बंद सक बंद रख सकते हैं और ये सरासर गलत है देखो गाइस अगर किसी को जेल होती है ना सपोज करो पुलिस अगर किसी को पकड़ के ले लगे जेल में डाला है तो विद इन ट्वेंटी आवर्स उनको आसपास का जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वहाँ लेके जाना होता है ये जानने के लिए कि वो गिल्टी है या नहीं वो जज डिसाइड करते कि वो गिल्टी है या नहीं तो ये लॉलेट एक्ट ने पावर दी दी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया है तो दो साल तक उन्हें कोई ट्रायल नहीं देंगे यानी कि उन्हें कोई पेशी नहीं देंगे दो साल तक उनको जेल में बंद रख सकते हैं उसके बाद उनका ट्रायल होगा और देखा जाएगा कि उन्होंने जुर्म करा भी है या नहीं तो चाहे कोई गिल्टी ना भी हो किसी को ऐसे उठा के तुमने जेल में डाल दिया कह दिया ये पॉलिटिकल लीडर है इसने कुछ गलत करा है और दो साल तक उसे बंद रखा ना उसका ट्रायल हुआ ना कुछ हुआ तो ये बिल्कुल गलत लॉ था तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने की जिसके बारे में आगे हमें पढ़ना है तो एक बार रिवाइज करते रॉयल एक्ट में क्या क्या हमने पढ़ा तो रॉयल एक्ट में सबसे पहले हमें क्या पता चला कि ब्रिटिशर्स किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक सकते हैं ठीक है नेक्स्ट किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ये इम्प्रेजेंट कर सकते हैं जेल कर सकते हैं और जेल में डालने के बाद विदाउट एनी रीजन विदाउट गिविंग एम एनी ट्रायल उन्हें दो साल तक जेल में अरेस्ट करके रख सकते हैं तो आप सोचो दो साल में तो हालात कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं अगर कोई लीडर को तुमने उठा के दो साल तक जेल में बंद कर दिया सो वट कैन हैपन इन दो टू ईयर्स आपने बंद कर दिया किसी कोई मुजरिम भी नहीं है कोई गिल्टी भी नहीं है तब भी आप उन्हें दो साल उठा के जेल में रख सकते हो तो ये बहुत अनजस्ट लॉ था और गांधी जी को लगता है कि ये लॉ बहुत गलत है इसे जो है हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो गांधी जी डिसाइड करते हैं एक नेशन वाइज सत्याग्रह लॉन्च करने की इस रॉयल एक्ट के खिलाफ जिसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइट गांधी जी डिसाइडेड कि वो नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे इस रॉयल एक्ट के खिलाफ कब नाइन में नाइनटीन में क्यों भाई रॉल्ट एक्ट जब नाइनटीन में पास हुआ था सत्याग्रह भी तो नाइन नाइनटीन में शुरू कर दिया हमने तो गांधी जी डिसाइड करते हैं नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे और महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो सत्याग्रह होगा ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट होगा यानी कि गाइज उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया महात्मा गांधी ने कि ये सत्याग्रह जो होगा नॉन वायलेंट होगा हथियार नहीं उठाए जाएंगे ना ही गवर्नमेंट की किसी बिल्डिंग को अटैक करा जाएगा ना ही किसी पुलिसमैन को या गवर्नमेंट ऑफिसर को अटैक करा जाएगा पीसफुली सत्याग्रह अपनी मांग करेंगे कोई मार धाड़ और कोई टाइप का वायलेंस जो है नहीं करेंगे पीसफुल सत्याग्रह हम करेंगे हम जो है ब्रिटिशर्स को कहेंगे ये रॉयल अटैक गलत है ऐसे हटाओ पीसफुली अपनी बात मनवाएंगे गांधी जी ने बहुत क्लियर कर दिया था गांधी जी ने और भी बताया कि ये जो हमारा नेशन वाइड सत्याग्रह है ये लॉन्च कैसे होगा ये लॉन्च होगा कैसे सिक्स अप्रैल को एक हड़ताल के साथ नेशन वाइड हड़ताल के साथ ये जो सत्याग्रह है ये लॉन्च होगा हड़ताल क्या होती है गाइज एक टाइप की प्रोटेस्ट एक टाइप का स्ट्राइक होती है जब लोग अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों से बाहर आते हैं और हड़ताल करते हैं अपनी मांगे पूरी कराने के लिए तो ऐसा ही होता है गांधी जी ने जैसे कहा छः अप्रैल को हड़ताल होगी ऐसे ही हमारे इंडिया के काफ़ी शहरों के अंदर ठीक है काफ़ी शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज होती है आप लोगों ने रैली देखी होगी रैली में लोग इकट्ठे होकर आते हैं नारे लगाते हैं जो भी उनकी मांगे होती हैं उसके लिए ठीक है तो रैली होती है काफी सारे शहरों में और बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं रेलवे वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं ट्रेनें बंद हो जाती हैं और लोग अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पे आ जाते हैं और रॉयल अटैक के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं और अपनी मांग करने लगते हैं कि इसे हटाएं रैलीज़ होती है अब गाइज ये बहुत पॉपुलर हो रहा था ये स्ट्रगल काफ़ी सारे शहरों में इंडिया की ये स्ट्रगल लॉन्च हो गया था लोग सड़कों पर उतर आए थे तो ये देख ब्रिटिशर्स डर जाते और उन्हें लगता है कि इससे तो उनकी कम्युनिकेशन लाइन जो है वो भी खराब हो जाएगी रेलवे वगैरह स्ट्राइक पर चले गए दुकानें बंद हो गई तो वो डर जाते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि सत्याग्रह को वो रोकेंगे दे डिसाइडेड टू क्लाइम डपाउंड ऑन द नेशनलिस्ट यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि सत्याग्रही इसको कैसे ना कैसे करके नेशनलिस्ट को रोकेंगे अब क्या करते हैं वो गाइस तो ये धीरे धीरे लोकल लीडर्स को उठाना शुरू कर देते हैं ठीक है यानी कि जेल में डालना शुरू कर देते हैं अब देखो कहीं पे भी हर शहर में अगर रैली होती है ना तो आपने देखा होगा एक आगे होते हैं वो नारे लगा रहे होते हैं पीछे लोग उनके बोलते हैं तो वो लीडर्स होते हैं ठीक है जो एक प्रोटेस्ट को एक स्ट्रगल को एक शेप करते हैं ठीक है एक आप कह सकते हो अपनी अपनी निगरानी में उसको चलवाते हैं ठीक है तो जो लोकल लीडर्स थे ब्रिटिशर्स को क्या करना था इस सत्याग्रह को रोकना था कि ये और बड़ा प्रोटेस्ट ना बन जाए मास लेवल पे ना बन जाए तो ये क्या करते हैं लोकल लीडर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं ऐसे ही इन्होंने अमृतसर में कब हमारे अमृतसर से दो लीडर्स को अरेस्ट करा और इवन महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी क्यों बिकॉज महात्मा गांधी जाएंगे तो प्रोटेस्ट और बड़ा हो जाएगा लीडर आ गए हैं अब ठीक है तो इन्होंने महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद करा थी उसके बाद इन्होंने क्या करा अब ये चाह रहे थे ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि ये मूवमेंट किसी तरीके से वायलेंट हो जाए और ये इस मूवमेंट को रोक पाए देखो अब भी सत्याग्रही चुपचाप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया कुछ नहीं करा तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा ब्रिटिशर्स ने कहा अगर इस सत्याग्रह को रोकना है तो कुछ ना कुछ अपने टैक्टिक्स लगाने पड़ेंगे तो पहले उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करा महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद कराई और फिर इन्होंने क्या करा 10 अप्रैल को अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन था पीसफुल प्रोसेशन आप समझ गए ना इनकी सत्याग्रही विदाउट वायलेंस अपनी डिमांड कर रहे थे चुपचाप से वो विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स को तो कैसे ना कैसे तो यानी कि आप समझो ये सत्याग्रही बैठ के प्रोटेस्ट करें इनके ऊपर आपकी गोलियां चलानी शुरू कर दी अब आप इस सिचुएशन को कंसिडर करो कि आप चुपचाप बैठे हो अपनी मांगे करो आपने कोई हथियार नहीं उठा अपने किसी को नहीं मारा और कोई आके आप पर गोलियां चलाने लग जाए तो क्या होगा एंगर प्रोबुक होगा उससे क्या होता है जब ऐसे पीसफुल प्रोसेशन पे गोलियां चला देती है ब्रिटिशर्स आके En te crees que... तो जो है सत्याग्रहीज को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है उनमें भी एंगल प्रवोक हो जाता है एंड देन क्या होता है सत्याग्रही स्टार्ट अटैकिंग द बैंक्स पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे ठीक है अब क्या होता है इवन जो पीसफुल सत्याग्रहीज थे वो भी जाके जो है वाइड स्प्रेड एंगल प्रवोक हो जाता है और वो जाके जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है बैंक्स है पोस्ट ऑफिस है उन पर जाके अटैक करने लगते हैं और यही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि थोड़ा सा मूवमेंट वायलेंट हो तो हम अपना जो है रोक लगा सकते हैं इस पर जैसे ही मूवमेंट थोड़ा सा वायलेंट होना शुरू हुआ यानी कि ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग को अटैक करा गया तो ये क्या करते हैं अमृतसर के अंदर लगा देते हैं मार्शल लॉ एंड जनरल डायर टू कमांड अब ये मार्शल लॉ क्या है और जनरल डायर कौन है तो देखो मार्शल लॉ होता है मिलिट्री रूल आपने कभी कर्फ्यू देखा है जब कर्फ्यू होता है तो कितना स्ट्रिक्ट सा रूल लग जाता है तो मार्शल मार्शल लॉ लॉ होता है 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 कि जब एक एक सिटी की की कंट्री भी जो कमांड है, जहां लगता है, वो जो मिलिट्री का जनरल होता है उसके हाथ में आ जाती है तो अमृतसर में लगता है मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री रूल लग जाता है अब सब मिलिट्री के हिसाब से होगा और उस समय मिलिट्री का जनरल कौन था वहां पर जनरल डायर जनरल डायर कमांड ले लेता है और मार्शल लॉ लगाते मार्शल लॉ में एक और होती है यानी कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते जैसे कर्फ्यू में आप इकट्ठे ऐसे अपने पड़ोसी के साथ और चार पांच लोगों के साथ सभा बना के नहीं खड़े हो सकते हो मोहल्ले में भी अपनी नहीं लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना अलाउड नहीं होता किसी बात पर डिस्कशन करना अलाउड नहीं होता है तो मार्शल लॉ लग गया अमृतसर के अंदर तो गाइस ये क्या डेट है दस अप्रैल है दस अप्रैल को ये अटैक वकटैक होता है और उसके कुछ समय बाद समझ लो आप मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है कहाँ पे अमृतसर में अब आती है थर्टीन अप्रैल तेरह अप्रैल आती है एंड होता है जलियावाला बाग इंसिडेंट ये इंसिडेंट के बारे में हम सब जानते हैं एंड लेट्स सी कि ये क्या था एंड कितना ही ज्यादा हम इंडियंस के लिए दिस वॉज अ ब्रूटल इंसिडेंट जो हमारी कभी वर्ल्ड की हिस्ट्री में हुआ होगा सो लेट्स सी जलियावाला बाग मजाकर तो गाइज दस अप्रैल को अटैक हुआ और उसके बाद मार्शल लॉ लग गया अब आता है तेरह अप्रैल तेरह अप्रैल को क्या होता है बैसाखी होती है बैसाखी पंजाब का और पंजाबीस का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बैसाखी के दिन लोग इन्जॉय करते हैं मेले लगते हैं मेले में इधर उधर घूमने जाते हैं तो कैसे ये थर्टीन अप्रैल का दिन था और जलियावाला बाग कहाँ है अमृतसर के अंदर एक पार्क है ये जलिया बाग ठीक है आप लोग में से कई बच्चों ने देखा भी होगा जलियावाला बाग ठीक है तो जो जो गए हैं जलिया बाग विज़िट करने और देखा है वहाँ पर सब कुछ अभी भी जो है जैसे वो वेल है वहाँ पे जिन्होंने देखा है मुझे बता बताना, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है तो अब टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अपना जलियावाला बाग इंसिडेंट तो 13 अप्रैल को इनफेमस जलियावाला बाग इंसिडेंट टॉप प्लेस ठीक है अब उस दिन पे जलियावाला बाग पार्क के अंदर यानी कि जलियावाला बाग मैदान के अंदर बाग के अंदर क्या था बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे अब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे उसमें से दो कैटेगरी के लोग थे गाइस पहली कैटेगरी के लोग कौन थे वो थे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे ठीक है सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंट द गवर्नमेंट्स रिप्रेसिव मेजर ये जो मार्शल लॉ लग गया था उसके खिलाफ उसके खिलाफ कुछ बातचीत करने डिस्कशन करने कुछ लोग आए थे यहाँ जलियावाला बाग में ठीक है अब मैंने कहा ना दो कैटेगरी के लोग थे तो पहली कैटेगरी तो प्रोटेस्टर्स की हो गई ये कुछ प्रोटेस्टर्स थी ठीक है अब दूसरी कैटेगरी के बट ये भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे बस बातचीत करने आए थे यहाँ पे कि सभा टाइप थी एक बातचीत करने के लिए आए थे अब दूसरी कैटेगरीज के लोग थे कई सिंपल विलेजर्स जो अमृतसर के आसपास के गांव से बैसाखी का मेला अटेंड करने यहाँ जरियावाला बाग में आते हैं समझ गए आप और इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि कुछ मार्शल लॉ वगैरह अमृतसर में लग गया है आस पास के यहाँ अमृतसर है उसके पास में कितने गांव होंगे अब जब भी मेला लगता है तो लोग शहर आते हैं मेले में इन्जॉय करने के लिए झूला झूलने के लिए खेलने के लिए बच्चे आते हैं बूढ़े आते हैं पेरेंट्स आते हैं मजे करने के लिए इन्जॉय करने के लिए तो आसपास के विलेजेस के लोगों को पता ही नहीं था कि कुछ मार्शल लॉ भी लगा है कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं ऐसा कुछ है उन्हें कुछ नॉलेज नहीं थी वो तो बस बैसाखी का मेला अटेंड करने मजे करने आए होते हैं यहाँ पे ठीक है कोई उनको प्रोटेस्ट नहीं करना था देम टू एंजॉय इन जलियावाला बाग अब क्या होता है जलियावाला में इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एंड ये जो है जनरल डायर वहाँ आ जाता है ये जनरल डायर वहाँ आ जाता है और जलियावाला बाग की जो एग्जिट है उसको क्लोज कर देता है अगर आपने जलियावाला बाग देखा है तो वहाँ पे एक ही एंट्री है वहाँ की ठीक है तो उस एंट्री को जो है क्लोज कर देता है अब वहां कितने लोग थे बहुत क्राउड था इतने सारे लोग मेला में जो अटेंड करने आते छोटे बच्चे बड़े बच्चे बूढ़े लोग पता नहीं कितने लोग और कुछ सभा करने जो लोग आए थे इतने सारे लोगों पे ओपन फायर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं कौन ये जनरल डायर अपने साथ फोर्स लाते हैं और सबको गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं ओपन फायर करते हैं ये नहीं देखते, ये नहीं देखते कौन बच्चा कौन बूढ़ा कोई मेले में खेलने आया है कोई इन कुछ नहीं देखते हैं कि ये तो सत्याग्रही भी नहीं है तो प्रोटेस्टर भी नहीं है नहीं सबको मार देते हैं इतना ब्रूटल इंसिडेंट होता है कि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदते हैं एंड कुएं में भी जो है इतने सारे लोग कूद जाते हैं कि वो नीचे दबके मर जाते हैं तो और अभी भी गोलियाँ आने हैं वाला बाग में और उससे पता नहीं कितने ही लोगों की मौत हो जाती है आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो दिस इज जलियावाला बाकी एक पिक्चर है यहाँ देखो आप कैसे ये पीसफुल आप देख सकते हो कि लोग मजे से यहाँ पे अपना मेला इंजॉय करने के लिए आते हैं और वहाँ पे यहाँ फोर्स आती है और उन पर आके गोलियां चलानी शुरू कर देती है पता नहीं कितनी ही लोग मर जाते हैं बच्चे बूढ़े और पता नहीं कितने ही लोगों की डेथ हो जाती है हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस ठीक है तो दर फॉर इट इज़ नोन एज द इनफेमस जलियावाला बाग इंसिडेंट अब इस इंसिडेंट के बाद जनरल डायर जिन्होंने ये करा जिन्होंने ये ओपन फायर कराया यू नो वट ही सेट उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ओपन फायर इसलिए कराया क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं जो सत्याग्रहीज है उनके दिमाग में एक इफेक्ट प्रोड्यूस करूँ उन्हें मैं डरा दूँ कि हमारे से पंगा मत लो सत्याग्रह मत लॉन्च करो इसलिए मैंने ये ऐसा करा ठीक है लुक हियर इट वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट इन द माइंड ऑफ सत्यग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेदर दैन ओ तो जनरल डैन राधर देन अपोलोजाइजिंग की जो उन्होंने कला वो बहुत ज़्यादा गलत था ठीक है वो क्या कहते हैं कि मैंने जो करा वो सत्यग्रहीज के मन में डर और जो है और आप कह सकते हो एक ओ का टेरर एंड ऑ मतलब बहुत ही ज्यादा डर का माहौल पैदा करने के लिए करा जिससे वो आगे से सत्याग्रह लॉन्च नहीं करे तो दिस वाज द जलियावाला बाग इंसिडेंट अब देखो जब ये जलियावाला बाग इंसिडेंट होता है तो इसकी खबर पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाती है कई लोग जो है उनकी फैमिलीज के लोग मर जाते हैं तो सब लोग बहुत परेशान होते हैं इस दिन से अब देखते हैं जलियावाला बाग का पीपल्स रिएक्शन क्या होता है गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होता है अब लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हुआ जब लोग वहाँ पीसफुली जो है इकट्ठे हुए थे कुछ लोग वहाँ इन्जॉय करने के लिए मेले में गए थे क्यों उन पर ओपन फायर की गई तो पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग सड़कों पे आ जाते हैं एंड गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड उसका रिजल्ट क्या होता है लेटेस्ट से तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल का रिएक्शन क्या हुआ है बाग इंसिडेंट पे उनको बहुत बहुत बुरा लगता है बहुत है गुस्सा आता और पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग सड़कों पे उतर आते हैं एंड फिर से स्ट्राइक करनी शुरू कर देते हैं पुलिस के साथ क्लैश होती है भाई पुलिस वालों के हाथ पे क्या होती है, क्या होती है बंदूकें हैं एंड सत्याग्रही पत्थर होंगी लाठियां होंगी तो जब पुलिस एंड जो पीपल का क्लैश होता है तो ऑब्वियसली लोग मरते हैं उसमें ठीक है नेक्स्ट डे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग गवर्नमेंट की बिल्डिंग को फिर लोग अटैक करना शुरू कर देते गुस्से में यही देखो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि किसी तरीके से मूवमेंट वायलेंट हो पुलिस वाले इंडियन

करा और उन्हें कोड़ों से मारा उनको बोला गया कि वो सड़कों पे रहेंगे, ठीक है अपनी नाक रबड़े सड़कों के ऊपर और जितने भी ब्रिटिश के हैं, उनको सल्यूट करें उनको सलाम ठोके इस तरीके से उन्होंने जो है जितने भी सत्याग्रही थे उनको क्या करा ह्यूमिलिएट करा और टेररइज़ करा तो देखो यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल वायलेंट हो गया एंड लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और ये देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं सींग द वायलेंस प्लेट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ठीक है plate, moment, तो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं अब ये मूवमेंट इस समय पर बहुत हाई लेवल पर हो गया था पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग इसमें इंगेज हो रहे थे बट वायलेंस बहुत हो रहा था तो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं अब देखो जो ये रॉलेट एक्ट था गाइस इसमें मास प्रोटेस्ट हुआ बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया बट ये बस लिमिटेड था सिटीज़ सिटीजों आपने देखा मैंने क्या कहा आपको कि लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लग गया है गांव वाले लोगों को ठीक है विलेजेस में खबर भी नहीं थी इस चीज की ज्यादा जो इफेक्ट दिखा इस प्रोटेस्ट का जिन्होंने लोगों ने हिस्सा लिया इस प्रोटेस्ट में वो शहरों के लोग थे तो महात्मा गांधी जी को समझ में आई एक चीज दैट अगर और नेशन वाइड अगर मूवमेंट कोई लॉन्च करना है अगर ब्रिटिशर्स से लड़ना है हमें और नेशन वाइड लेवल पे लड़ना है कि विलेजेस भी इकट्ठे हों खाली सिटी शहरों के लोग नहीं विलेजेस में कितनी पॉपुलेशन होती है वो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लें तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा वो क्या है हिंदूज एंड मुस्लिम को यूनाइट करना पड़ेगा क्योंकि ब्रिटिशर्स करते ही ये थे डिवाइड एंड रूल हिंदूज एंड मुस्लिम को डिवाइड करके रूल करते थे तो महात्मा गांधी को समझ में आ गया कि अब अगर ब्रिटिशर्स से लड़ना है तो हमें हिंदूज एंड मुस्लिम को यूनाइट करना पड़ेगा और महात्मा

ब्रिटिशर जो और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो जीत गई हैं जो कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गई हैं वो ओटोम एम्पायर के जो एक हेड है जिनको खलीफा बोला जाता है उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी लगाई जाएगी ठीक है यानी कि उनके साथ गलत सलूक होगा ठीक है तो ये बातें चल रही थी रूमर्स हो रहे थे दैट वर देवर यूमर दर्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी एम्पोज ऑन ओटोमैन एम्पायर ठीक है ओटोमैन एम्पायर के जो एम्परर हैं खलीफा उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी लगाई जाएगी ठीक है अब देखो जो ओटोमेन एपायर के ये जो एम्परर थे खलीफा ये सिर्फ ओटोमेन एम्पायर के ही एम्परर नहीं थे इनफैक्ट पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वर्ल्ड वाइड वो उनको अपना डिफेंड करने के लिए खलीफा की पावर्स को ठीक है तो इसलिए खलीफा की जो हर एक मुस्लिम के एक स्पिरिचुअल हेड थे उनकी पावर्स को डिफेंड करने के लिए कि उनके ऊपर पीस ट्रिटी ना लगाई जाए एक खिलाफत कमेटी बनती है इंडिया में बॉम्बे में इन मार्च नाइन नाइनटीन ठीक है और इसको हेड कौन करता है इस खिलाफत कमेटी को दो ब्रदर्स होते हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली एंड शौकत अली तो मोहम्मद अली अन शौकत अली खिलाफत कमेटी बनाते हैं वन मार्कर क्वेश्चन है याद कर लो कब बॉम्बे में इन मार्च 1990 किस लिए बनाते हैं टू डिफेंड खलीफाज पावर ठीक है कि खलीफा के ऊपर पीस टिटी ना लगाई जाए और उनको उनकी पावर्स दी थी सर ठीक है तो, तो मोहम्मद तो... अली अन शौकत अली इस कमेटी को लीड कर रहे थे कौन सी कमेटी को खिलाफत कमेटी को जो किस लिए बनी थी इशू रेस करने के लिए बनी थी किसका कि जो खलीफा की पावर्स हैं उनको डिफेंड करने के लिए तो अब महात्मा गांधी के साथ में खिलाफत कमेटी के जो लीडर्स थे ये मोहम्मद अली जी एंड शौकत अली जी ये डिस्कशन करने शुरू कर देते हैं यूनाइटेड मास प्रोटेस्ट के लिए कि कैसे हम इंडिया में एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकते हैं सो दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इकट्ठे आए एंड एक नेशन वाइड स्ट्रगल लॉन्च करें तो गांधी जी को ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है जैसे मैंने कहा ना गांधी जी चाहते थे कि हिंदूज एंड मुस्लिम को इकट्ठा लाया जाए तो वो इकट्ठा लाने के लिए उनको गांधी जी को एक खिलाफत इशू एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लगती है कि इसके थ्रू वो इंडियंस इंडिया में जितने भी हिंदूज एंड मुस्लिम हैं उनको इकट्ठा ला सकते हैं गांधी जी अब इस बात को जो है जो कैलकुट खिलाफत था कांग्रेस का इन आपको याद रखना है वहाँ पे भी करने की करा खिलाफत as well as स्वराज तो अब गांधी जी को क्या चाहिए था कि हिंदू एंड मुस्लिम्स को इकट्ठा लाने के लिए कुछ उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है खिलाफत इशू तो गांधी जी डिसाइड करते हैं एंड जो सेप्टेम्बर का कैलकाटा सेशन होता है 1920 का कांग्रेस का उसमें सारे कांग्रेस के लीडर्स को बोलते हैं कि अब हम एक नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे और इस मूवमेंट में हम दो चीज़ें डिमांड करेंगे वो किसके लिए होगी एक तो स्वराज के लिए यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए और दूसरी खिलाफत इशू को रेस करेंगे इससे क्या होगा सारे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स इकट्ठे आ गए अब मुस्लिम्स डिमांड करेंगे खिलाफत के लिए एंड स्वराज के लिए एंड हिंदूज के लिए डिमांड करेंगे स्वराज के लिए इंडिपेंडेंस के लिए तो उससे एक बिगर इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर तो अब हमें पढ़ना है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको लॉन्च करने की महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं ये कैसे लॉन्च होता है कब लॉन्च होता है इसका क्या इफेक्ट होता है सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूव गाइज तो पढ़ते अपना नेक्स्ट टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो गाइज अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा एक बार उसे रिवाइज करते हैं हमने पढ़ा कि कैसे रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च हुआ एक सत्याग्रह लॉन्च हुआ उसके बाद जलिया वाला बाग इंसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा एंड जब मूवमेंट्स लॉन्च हुए और वो वायलेंट होने लगे तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को बंद कर दिया एंड महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अगर नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करना है बहुत बड़े लेवल पर मार्स प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए पहले हिंदूज एंड मुस्लिम को इकट्ठा लाना होगा और मुस्लिम्स एंड हिंदूज को के लिए उन्हें एक इशू मिलता है वो गया खिलाफत में डिमांड फॉर स्वराज भी होगा यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए भी आवाज मांग उठाई जाएगी कि हमें भारत छोड़ो अंग्रेजों हमें जो है स्वराज चाहिए एंड साथ ही के साथ खिलाफत इशू के लिए भी जो है डिमांड्स करी जाएंगी तो डिसाइड होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होगा तो अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे लॉन्च होता है लॉन्च होने के बाद इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन के इफेक्ट क्या आते हैं वो सब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है तो देखो जब महात्मा गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का बोला तो उससे पहले भी उन्होंने एक बार एक बुक लिखी थी कब 1909 में बहुत पहले उन्होंने लिखी थी बुक 1909 में जिसका नाम था हिंद स्वराज और उन्होंने उस बुक में ये बताया था कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में इंडिया में जो है रूल करी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं हम उनका जो है साथ दे रहे हैं कॉपरेट करना मतलब साथ देना ठीक है और अगर हम उनका साथ देना बंद कर देंगे हम उनसे कॉपरेशन नहीं करेंगे तो अपने आप ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ के जाना होगा तो तभी वो कहते हैं कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे अब आप जरा सोचो कि, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे हम इंडियंस हर कोई दे रहा था अब कैसे दे रहा था देखो ब्रिटिशर्स सस्ते रेटों के मिलों के बने हुए कपड़े ला इंडिया में बेचते थे और इंडिया कुछ कम पैसों के लिए जो है इंडियंस उसे खरीद लेते थे ठीक है तो आप तुम ब्रिटिशर्स के कपड़े खरीद रहे हो देट मींस यूर कॉपरेटिंग विद हिम ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में स्कूल बनाए एजुकेशन सिस्टम बनाए वहाँ लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे थे एजुकेशन के लिए इंडियन वालों में नहीं भेज रहे थे और इंडियन इंस्टीट्यूट इतने थे भी नहीं तो जब आप वहाँ ब्रिटिशर्स के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो मतलब आप उनसे कॉपरेट कर रहे हो ब्रिटिशर्स की जितनी ऑफिसिस थे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स थी एंड जितनी भी पुलिस थी जैसे पुलिस में इतने सारे इंडियंस लोग थे ठीक है जब आप जब उन पुलिस वालों को जिनको बोला जाता था ना सत्यग्रहीस पे जो है ओपन फायर करो तो उनमें से आधे पुलिस वाले इंडियन होते थे तो ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी भी इंडियन पीपल से बना रखी थी अगर कोई इंडियन जाएगा ही नहीं फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तो ब्रिटिशर्स कैसे अटैक करेंगे हमारे पे समझ गए आप तो गांधी जी का कहना यह था कि हम साथ दे रहे हैं उनका हम उनके स्कूलों में पढ़े हम उनके कपड़े पहन रहे हैं हम उनकी फोर्स में जा रहे हैं हम उनको लॉयर की सर्विस दे रहे हैं हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं तभी वो हमारे पे रूल कर रहे हैं एंड अगर हम जो है कॉपरेट करने को मना कर देंगे तो एक साल के अंदर

हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे अंग्रेजों बार छोड़ो नहीं धीरे धीरे हम नॉन कॉपरेशन करेंगे सबसे पहले उन्होंने कहा बिगेन होगा ये सरेंडर करने से टाइटल्स के जो तो ये टाइटल है ना साहिब तालुकदार लैंडलॉर्ड ज़मींदार ये वो जो इन्होंने टाइटल्स दे रखे हैं इंडियंस को और इंडिया में क्लासिफिकेशन कर रखा है पहले सब अपने टाइटल्स छोड़ेंगे उसके बाद जो है गवर्नमेंट से अवार्ड हुई कोई भी कोई सर्विसेज कर रहा है जैसे कोई अगर आर्मी में है कोई पुलिस में है कोई कोर्ट में है कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है वहाँ की एम पी एम एल ए बना हुआ है समझ गए आप वो लोग जो है उनको छोड़ दे ठीक है जैसे अगर कोई लॉयर है ब्रिटिश कोर्ट में काम कर रहा है वो अपने जो है जॉब छोड़ दे कोई टीचर्स है ब्रिटिश स्कूल में काम करे वो छोड़ दे एंड जो बच्चे हैं जिनको ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ने इंडियन के वाले स्कूल नहीं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन में वहाँ पढ़ने भेजा जा रहा है उनको छोड़ देंगे एंड फॉरन गुड्स को तो बिल्कुल बॉयकआउट कर देंगे वहाँ से बाहर से आया हुआ कोई सामान हम जो है उसको जो है कंज्यूम नहीं करेंगे ना ही उनके बनाए हुए कपड़े पहनेंगे नथिंग ठीक है तो ये गांधी जी ने डिक्लेयर करा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टेजेस में होगा पहले उनके टाइटल छोड़ो फिर उनकी जो सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करनी बंद करो उन्हें ठीक है कोई उनका जाके काम मत करो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आर्मी सर्विस प्रोवाइड मत करो कोई आर्मी में नहीं जाएगा ब्रिटिशर्स के लिए कोई पुलिस में नहीं जाएगा कोई कोर्ट में नहीं जाएगा टीचर्स जॉब छोड़ दे बच्चे स्कूल जाना बंद कर दे ब्रिटिशर्स के तो जो है हम ब्रिटिशर्स का साथ देना बंद करेंगे धीरे धीरे ब्रिटिश रूल कोलैप्स होने लग जाएगा तो गांधी जी ने फिर से देखो यहाँ पे मूवमेंट को क्लियर कर दिया कि मूवमेंट में कहीं वायलेंस नहीं आएगा क्या करें हम तो बस नॉन कॉपरेट करें हम आपके स्कूल में नहीं जाएंगे हम आपको आर्मी सर्विस नहीं हम तुम्हारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हमें कोर्ट में नहीं जाना ना ही हमें तुम्हारे कपड़े पहने हम कोई मारधाड़ नहीं करें हम बस नॉन कॉपरेट कर रहे हैं तो गांधी जी ने यह समझाया ये मूवमेंट भी बिल्कुल पीसफुल होगा और इन केस अगर गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन यानी कि वायलेंस का यूज करती है तो हम लोग फुल सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर देंगे अब थ्रू आउट द समर ऑफ 1920 1920 के पूरे आ, समर के अंदर महात्मा गांधी और जो शौकत ब्रदर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली इंडिया के अलग अलग कोने में जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट दिस मूवमेंट क्योंकि लास्ट टाइम भी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था मूवमेंट का तो वो जो है मूवमेंट के लिए पॉपुलर सपोर्ट लेने के लिए इंडिया के अलग अलग जगहों पर जाके लोगों को इस मूवमेंट के बारे में बताते हैं बट देखो अभी तक जो कांग्रेस है जो कैलकटा सेशन था उसमें मैंने आपको क्या बोला कि कांग्रेस के मेंबर्स को करा महात्मा गांधी जी ने कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं स्वराज के लिए एंड खिलाफत इशू के लिए ठीक है बट कन्विंस कर, था ठीक है मना रहे थे जैसे आप घर में कोई आपको डिमांड करनी होती है पहले मनाते हो फिर मन, मन बात मानी जाती है आपकी समझ गए तो वहाँ पे मनाना शुरू करा था हमारे गांधी जी ने बट देन कांग्रेस के देखो कुछ लीडर्स ऐसे थे जो अभी तक इस बात को नहीं मान रहे थे कि हम एक नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करें फिर से क्योंकि अभी रिसेंट मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो जलियाला बाग में साकर के बाद जो है कॉल ऑफ कर दिया गांधी ने तो कई कांग्रेस के ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि हमें मूवमेंट नहीं लॉन्च करना चाहिए इस समय पर क्यों उसका भी रीज़न था बहुत लोग थे ऐसे कांग्रेस में जो अभी तक इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कौन से प्रपोजल को कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होगा जिसमें हम दो डिमांड करेंगे एक स्वराज की एक खिलाफत की जो खलीफ है उनके ऊपर पीस ट्रीटी ना लगाई जाए तो अभी कांग्रेस के कई मेंबर नहीं मान रहे थे अब क्यों नहीं मान रहे थे उसका रीजन था क्यों देखो क्योंकि नवंबर 1920 19... में गाइस काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे ठीक है अब इलेक्शन आपको पता है इलेक्शन होते हैं दे लीडर्स पॉलिटिशियंस चूज होते हैं तो उनको पावर मिलती है तो कई ऐसे कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्हें लग रहा था कि नवंबर 1920 में इलेक्शन होंगे तो अगर नॉन कॉपरेशन है मतलब कि इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करा जाएगा गांधी जी ने क्या कहा नॉन कॉपरेशन मतलब हर चीज़ में उनका साथ नहीं देना है ना ही उनके स्कूल में जाना है ना ही उनको आर्मी और पुलिस की सर्विस देनी है ना ही उनके कोर्ट में काम करना है ना ही उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है ना ही उनके काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है तो नॉन परेशन मतलब कि 1920 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको भी इग्नोर करना पड़ेगा तो कुछ कांग्रेस मेंबर ये नहीं रहे थे क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हमें इंडिया की गवर्नेंस चाहिए ठीक है अगर हमें स्वराज चाहिए अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा यानी कि पॉलिटिक्स में एंटर करना पड़ेगा उसके थ्रू हम उनसे जो है डिमांड्स करेंगे तो अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता तो जो है इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो इसलिए जो है अभी कांग्रेस मेंबर्स कन्विंस नहीं हो रहे थे और उन्हें एक और डर था कि देखो ये जो मूवमेंट होते हैं ये धीरे धीरे वायलेंट होने लगते हैं जैसे पहले हुआ जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह था जितने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के लिए टसल रहती है यानी कि काफी बातचीत होती है अब देखो कोई इतना बड़ा डिसीजन लेना है तो उसमें पहले सोच विचार करके तो लिया जाएगा तो काफी टसल होती है कांग्रेस में सेप्टेंबर से दिसंबर के बीच में एंड फाइनली एक रेजोल्यूशन पास होता है कब होता है दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कांग्रेस सेशन जो नागपुर में होता है अब ये सेशन क्या होता है देखो कांग्रेस की मीटिंग्स होती हैं कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में जैसे पहले कलकत्ता में हुई थी अब ये जो कांग्रेस की मीटिंग होती है 1920 में ये कब होती है नागपुर में होती है दिसंबर में और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ वर्कआउट कर लिया जाता है यानी कि सारे कांग्रेस के मेम्बर्स मान जाते हैं कि येस फाइनली हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की दो डिमांड्स होंगी पहली वही स्वराज और दूसरी खिलाफत इशू क्या कि जो खलीफा है उनके ऊपर पीस ट्रीटी जो है वो लागू नहीं करी जाए तो फाइनली अ कॉम्प्रोमाइज वो आउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडोप्टेड ठीक है तो इसको याद रखना है कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर ट्वेंटी इन नागपुर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अडोप्टेशन मूवमेंट को फाइनल जो है अप्रूवल कब दे दिया गया कि लॉन्च करते हैं दिसंबर उन्नीस सौ बीस नागपुर सेशन कांग्रेस में ठीक है तो अब करना है हमें अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड लेट सी दट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे लॉन्च होता है एंड वॉट हैपन ठीक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है डिफ्रेंडिंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट ठीक है मूवमेंट तो लॉन्च होता है बट उस मूवमेंट का इफेक्ट सबके लिए अलग अलग होता है सबने अलग अलग डिमांड्स करी उस मूवमेंट में ये हम पढ़ेंगे हम पहले पढ़ेंगे कि टाउन्स में यानी कि शहरों में क्या मूवमेंट का इफेक्ट था फिर हम विलेज में पढ़ेंगे मूवमेंट का क्या इफेक्ट था और प्लांटेशन वर्कर्स में विलेज जो है मूवमेंट का क्या इफेक्ट था ये सब हमें अब इस टॉपिक में पढ़ना है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बैज्ञान होता है जनवरी 1921 में तो भाई 1920 दिसंबर में डिसाइड करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं फिर आया न्यू ईयर या, न्यू ईयर के बाद जनवरी 1921 में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एन लॉन्च कर दिया और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने उसमें पार्टिसिपेट करा जैसे मिडिल क्लास ने भी करा पीजेंस ने भी करा ट्राइबल पॉपुलेशन ने भी करा बहुत लोगों ने करा बट सबके लिए अलग अलग एस्पिरेशंस थी सबकी अलग अलग ना डिमांड्स थी लोगों को लग रहा था अगर हमारी ये डिमांड फुलफिल हो जाए मतलब फ्रीडम आ गया तो सब ने फ्रीडम मांगा सबने स्वराज के लिए लड़े सब बट सबकी अलग मांगे थी ठीक है तो वही अब हमें पढ़ना है स्वराज का मतलब अलग हो गया था ट्राइबल पॉपुलेशन स्वराज का मतलब अलग हो गया था अब कैसे था वो मैं आपको अगले टॉपिक में समझाती हूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन टाउन यानी कि शहरों में मूवमेंट कैसे चला फिर गाँव में फिर प्लांटेशन वर्कर में तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सीधा मूवमेंट्स इन टाउन यानी कि शहरों में मूवमेंट कैसे चला तो शहरों में मेनली पार्टिसिपेंट कौन थे इस मूवमेंट की मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखो क्या करा ब्रिटिशर्स के जो स्कूल थे उनको छोड़ दिया जैसी मूवमेंट लॉन्च हुआ यही तो कहा था महात्मा गांधी ने नॉन कॉपोरेट करना है तो बहुत सारे बच्चों ने ब्रिटिशर्स के स्कूलों को छोड़ दिया टीचर्स ने ब्रिटिश स्कूलों से जॉब छोड़ दी हेड मास्टर्स ने टीचर ने रिज़ाइन कर दिया और जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने ब्रिटिश की कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया लीगल प्रैक्टिसज अपनी बंद कर दी फॉरन गुड्स को बॉयकॉट करा गया बाहर से आने वाला जो सामान था कपड़े हो गए या कुछ भी उसे बॉयकॉट यानी हमें से यूज नहीं करेंगे और बहुत ह्यूज लेवल पर ना फॉरन कपड़ों को जलाया जाता था लोग आपस में इकट्ठे होते थे और बॉर्नफायर में इनके कपड़ों को डालते थे भैया हम ही नहीं पहनने तुम्हारे कपड़े जला नहीं हम तुम्हारे कपड़ों को ठीक है एंड द लिकर शॉप्स विकेटेड पिकेटेड मतलब बंद कर देते थे लिकर शॉप्स को जैसे शराब की दुकान है ना क्योंकि हमें अल्कोहलिज्म प्रमोट नहीं करना था तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा टाउंस में मिडिल क्लासेज ने शराब की दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया और जो है काउंसिल इलेक्शन को भी बॉयकॉउट करा गया इन मैनी प्रोविसेस प्रोविंस मतलब सभी स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाले थे ना जिसपे कांग्रेस सोच रही थी कि अरे अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा तो इलेक्शन को भी बॉयकआउट करना पड़ेगा बट येस कांग्रेस yes, ने बॉयकआउट करा है इलेक्शंस को बहुत सारी प्रोविंसेज में जो है इलेक्शन को बॉयकआउट करा गया कर इस प्रोविंस मतलब क्या आप समझते हुए चलो अब जैसे आजकल हमारे यहाँ स्टेट्स है यूपी है बिहार है राजस्थान है पहले स्टेट्स नहीं कहते थे प्रोविंसेस कह देते थे हम और ये प्रोविंसेस ऐसी नहीं थी काफ़ी ह्यूज यूज थी जैसे आज के समय का जो यूपी है वो पहले यूनाइटेड प्रोविंस था और बहुत ह्यूज पार्ट आता था उसमें काफ़ी सारा एरिया था मिक्स मिक्स थी तो ऐसे ही क्या होता है सब प्रोविंसेज ने बॉयकआउट करा उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा बट एक एक्सेप्शन था मद्रास प्रोविंस में एक पार्टी जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी पार्टी है उस पार्टी का नाम है गाइस जस्टिस पार्टी मद्रास प्रोविंस में ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है अब ये क्यों करती है देखो ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी यानी कि इस पार्टी में ब्राह्मण्स नहीं थे नॉन ब्राह्मण्स थे और आपको पता है इंडिया में कितना क्लास स्ट्रगल था ठीक है एक क्लासेस को सुपीरियर बोला जाता था दूसरी क्लासेस को नहीं तो ये जो नॉन ब्राह्मण्स थे उन्हें लगता था कि गाइस अगर ये किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो उनको पावर मिल रही है उससे ठीक है तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ मद्रास प्रोविंस में जस्टिस पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा बाकी सब जगहों पर इलेक्शन को बॉयकॉट करा गया ठीक है और क्या हुआ ह्यूज लेवल पे मर्चेंट्स ने ट्रेड करने को बंद कर दिया फॉर मर्चेंट कौन दुकानदार जो गए जो डील करते थे कपड़ों में और बाकी चीज़ों में उन्होंने कहा हम नहीं बेच रहे भैया फॉरन क्लोथ और उसका बहुत इंपैक्ट भी पड़ा ऐसा नहीं है जब हमने इनके कपड़े जलाए इनकी लेकर शॉप्स बंद करी और हमने इनके कपड़े पहने बंद करे तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा देखो उसका इम्पैक्ट पड़ा द इम्पोर्ट ऑफ फॉरन क्लोथ हाफ हो गया जो कपड़ा हम उनसे मंगा रहे थे हाफ हो गया इन नाइनटीन टू ट्वेंटी 1921 में ही तो लॉन्च हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1921 से 22 में एक साल के अंदर जो इंपोर्ट हम करा रहे थे उसकी वैल्यू हाफ हो गई कहा हम पहले 102 करोड़ का इंपोर्ट करा रहे थे अब सिर्फ 57 करोड़ का इंपोर्ट हमने कराया मतलब हाफ हो गया इंपोर्ट तो भाई ब्रिटिशर्स तो हिल गए बिल्कुल ही भैया ये क्या इम्पोर्ट बंद कितना नुकसान हुआ होगा उनको पचास लगभग पचास करोड़ का हाफ का तो उन्हें नुकसान हुई गया जब हमने इनके कॉपरेशन बंद कर दिया ना हमने नहीं पहने ना इनके कपड़े तो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और लोगों ने देखो जब फॉरेन क्लोथ्स को जो है पहनना बंद करा तो क्या करा इंडियन वन को अपनाया तो उससे इंडिया की जो फॉरेन जो जितनी भी ये थी ना मिल्स और हैंडलूम्स थी उसको बूस्ट मिला इंडियंस को काम मिला इंडिया की मिल्स और इंडिया की जो हैंडलूम्स थी उसको बूस्ट मिला बट गाइस धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था ये स्लो डाउन हो गया अब ये स्लो डाउन क्यों हुआ उसके भी रीजंस थे सबसे पहला रीज़न का इस खादी अब जब फॉरेन क्लोथ जो वहाँ से आता था ना ब्रिटिशर्स का वो मिल में बना होता था कॉटन की मिलें होती थी वहाँ बना होता था हम लोगों ने कहा जब अभी पढ़ा भी है ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस मैंने कॉटन मिल आपको बताया था तो कॉटन मिल में बनती है फैक्ट्रियों में मशीनों पे बन रहे कपड़े तो वो सस्ते होते थे और यहाँ हमारे इंडिया का क्लोथ कौन सा था खादी वो बहुत महंगा होता था बनने में बहुत समय लगता था उसको तो धीरे धीरे जो है खादी लोगों को बहुत महंगा लगता था लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खादी के कपड़े अफोर्ड कर पाए तो वो वापस से ब्रिटिशर्स के कपड़े खरीदने शुरू कर देते हैं ठीक है दूसरा ये स्लो डाउन क्यों होता है मूवमेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वट वर द रीजन ऑफ द स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट इन द टाउंस ठीक है तो दूसरा रीजन ये था गाइस देखो स्कूल छोड़ दिए बच्चों ने टीचर्स ने जॉब छोड़ दी ठीक है ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन को बॉयकआउट कर दिया बट दे आर वॉज एबसेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूशन अभी इतने नहीं थे जो जो है लोगों को जो है जॉब दे सके अब इतने टीचर्स ने ब्रिटिश स्कूल से जॉब छोड़ दी बट इतने इंडियन स्कूल्स नहीं थे जहाँ टीचर्स जाके जॉब कर सके और जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो रोटी खा से खाओगे ठीक है बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया गया बट इतने इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं थे जहाँ बच्चे जाके पढ़ाई कर सके लॉयर्स ने जब छोड़ दी बट कोई ऑल्टनेटिव इंस्टीट्यूशन तो नहीं और जॉब की जरूरत सबको है तो धीरे धीरे लोग वापस से ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स में जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा टाउन्स में कैसे मूवमेंट चला मूवमेंट पहले बहुत जोरों शोरों से चला बहुत इफेक्ट पड़ा मूवमेंट का कपड़ों को उन्होंने जब हमने इम्पोर्ट कराना बंद कराया तो उन पे इफेक्ट पड़ा इम्पोर्ट का प्राइस बिल्कुल ही हाफ हो गया और जो है जब हमने बॉयकआउट करा इंस्टीट्यूशन को उसका भी इफेक्ट पड़ा बट धीरे धीरे ये इफेक्ट स्लो डाउन हो गया क्योंकि लोगों को वापस जाना पड़ा ब्रिटिशर्स के पास क्योंकि हमारे पास अभी कमी थी अपने इंस्टीट्यूशन की तो दिस वॉज द मूवमेंट इन द टाउन ठीक है अब हम पढ़ेंगे रिबेलियन इन द कंट्री अब हमें पढ़ना है रिबेलियन इन द कंट्री साइड यानी कि गांव वाले जो एरिया थे वहां पर जो है रिबेलियन कैसा चला तो गांव वाले एरिया में हमें दो केस पढ़ने पहला अवध फार्मर्स का जो अवध के किसान थे उनका और दूसरा ट्राइबल पॉपुलेशन जो जंगलों में रहने वाली पॉपुलेशन थी गुडैम हिल्स की उनका तो

भी उनसे काम कराया जाता था बहुत समय के लिए उन्हें बंद कर दिया जाता था और काम कराया जाता था तो जो है किसी तरीके से का करते हैं उनका करने में। तो जितने भी अवध बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे किससे फेस कर रहे थे अपने तलुबार से और अपने लैंडलॉर्ड से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो देखो जैसे मैंने कहा ना सबके ब्रिटिशर्स से डायरेक्ट डिमांड नहीं थी ठीक है सबको स्वराज चाहिए था सबको इंडिपेंडेंस थी, नारे वही लग रहे थे स्वराज के बट सब अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना चाहते थे जैसे अवध रीजन क्या चाह रहे थे कि जो तलबदार्स हैं जो जो प्रॉब्लम वो तलुकदार्स की वजह से फेस कर रहे हैं वो जो है वो खत्म हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स अवध के किसान फेस कर रहे थे वो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते रहे थे जैसे कि सबसे पहले तो हाई रेवेन्यू जो वहां के तालुकदार से जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनसे बहुत हाई रेवेन्यू मांगते थे दूसरा उन्हें बेगार करना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स के फार्म फार्मे यानी कि बेगार सिस्टम आप समझ गए बेगार मतलब होता है बिना पैसे के काम करना पहले जमाने में हमारे इंडिया में ये बहुत ह्यूज लेवल पे होता था लोगों को पकड़ के बना के रखा जाता तो उनसे काम कराया जाता था पैसा नहीं दिया जाता था तो वो चाहते थे बेगार सिस्टम खत्म हो जाए उन्हें लैंड के जो फार्म है उस पर फ्री में काम नहीं करना पड़े एंड तीसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये जो बड़े बड़े तालुकदार थे ये हर समय बाद काम से जो है टेनेंट्स को निकालते रहते थे जिससे वो जो है लैंड का पीस ना मांग ले अगर वो वहां देर तक काम करेंगे तो काफी प्रॉब्लम जो थी अवध के किसान फेस कर रहे थे तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया है अब हम लोगों जो है कॉपरेट नहीं करना है तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो जो है जो तलुकदार है और जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा तो उनकी डिमांड्स क्या थी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो अवध के किसानों की डिमांड ये थी कि रेवेन्यू कम हो बेगार सिस्टम ख़त्म हो और सिक्योरिटी मिले उन्हें अपने टेन की और जैसे जैसे ये मूवमेंट अनफोल्ड होता है यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ विलेज साइड में अवध के किसानों वाले जो एरिया है वहाँ पर जब ये मूवमेंट चलता है तो काफ़ी फॉर्म्स होते हैं इनके प्रोटेस्ट के सबसे पहले ये करते हैं नाई धोबी बंद नॉन कॉपरेट करने ट नहीं करना तो ये नाई धोबी बंद करते हैं नो वट इज ना, ना धोबी बंद तो देखो गाइस बड़े से बड़ा आदमी हो उसको जो है बाल भी कटवाने होंगे होंगे कपड़े भी धुलवाने हर काम करवाना काम करवाना होगा ठीक है आप सब खुद नहीं करते सोसाइटी में सब काम जो है किसी को छोटा माना जाता है किसी को बड़ा माना जाता है बट सब काम की अपनी अहमियत है ठीक है अब अगर आपको अगर बाल कटवाने कितनी स, ये बेसिक सर्विस है यू हैव टू टेक इट ठीक है कपड़े धुलवाने अगर हमारे लिए कोई ये सब काम नहीं करेंगे ना तब हमें पता चलेगा दैट आगे क्या होगा तो ऐसी तरीके से जो है ये को तलुबारे नॉन ट करने के लिए जितनी भी ये पंचायत थी अवध के सांसद में इन लोगों ने क्या करा इन लोगों ने जितने भी ऐसे ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे ना अत्याचारी लैंडलॉर्ड जो अत्याचार करते थे किसानों के ऊपर उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर दिया ये कहा ना ही धोबी बंद करेंगे ना ही उन लैंडलॉर्ड्स को जो है कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ना ही उनके बाल काटेंगे ना ही उनके कपड़े धोएंगे कोई भी बेसिक सर्विसेज उन जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे और जब कोई लैंडलॉर्ड चाहे उस पर कितना भी पैसा कोई उसके कपड़े धोने को तैयार नहीं है कोई उसका घर का काम करने को तैयार नहीं है कोई उसके बाल काटने करने को तो अपने आप उन्हें समझ में आएगा कि वो गलत कर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है अवध किसान सभा ठीक है अब जब ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होना था तो अवध किसान सभा लॉन्च करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी एंड रामचंद्र बाबा रामचंद्र जो अवध किसानों के हेड थे ना वो और जवाहरलाल नेहरू जी मिलकर जो है यहाँ पे अवध किसान सभा लॉन्च करते हैं सो दैट जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो किसान सभा है ये बहुत अच्छे तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे ले जा पाए तो वो ये अवध किसान सभा लॉन्च करते हैं डिमांड्स वही थी रेवेन्यू कम हो बेगाड़ सिस्टम जो है हटा दिया जाए अवध किसान सभा लॉन्च होती है ऑलमोस्ट 300 ब्रांचेस अवध किसान सभा की लॉन्च हो जाती है बट गाइस जब ये मूवमेंट लॉन्च होता है बट जब मूवमेंट फाइनली लॉन्च हो जाता है ना 1921 में तो ये मूवमेंट धीरे-धीरे ऐसे स्टेप्स लेने लगता है जो कांग्रेस अप्रूव नहीं करी थी क्या करते हैं अब देखो हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि जो मूवमेंट है वो वायलेंट नहीं होना चाहिए मार धाड़ ये सब नहीं होनी चाहिए पीसफुल हमें जो है अपनी मांगे रखनी अगर हमें मांग करनी है हाई रेवेन्यू नहीं होना चाहिए बेगाड़ सिस्टम हटा देना चाहिए तो वो मांगे पीसफुली रखनी है नॉन कॉपरेट करो ना ही धोबी बंद करो बट वायलेंट नहीं होना चाहिए बट धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंट होने शुरू हो जाते हैं और इसको कांग्रेस अप्रूवल नहीं देती है जो अवध के सामने धीरे धीरे जो है मूवमेंट को वायलेंट बनाना शुरू कर देते हैं रिएक्शन टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये आपका टॉपिक समझ गए रिएक्शन क्या होता है का वो क्या करते हैं पीजन जो है जितने भी थे और लैंडलॉर्ड से उनके घर को जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं घर जला देते हैं लूटपाट करनी शुरू कर देते हैं दुकानें लूट लेते हैं मर्चेंट्स की और जितना भी अनाज होता है उसे होड, अनाज जब्त कर लेते हैं तो मूवमेंट वायलेंट होना शुरू हो जाता है और कई जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी ने कहा है कि अब से कोई टैक्सेस पे नहीं करने बट गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि टैक्सेस पे नहीं करने हैं एंड ये कहा कि जो लैंड है तलुकदार के जो बड़ी बड़ी जमीन उन्हें सब किसानों में जो है बांट दिया जाएगा महात्मा गांधी के नाम पे काफी सारे एस्पिरेशंस एंड रिएक्शंस प्रो कर जाते हर कोई कह रहा था जो कोई जो कुछ भी कर रहा था ना वो कहता अरे हम तो महात्मा गांधी के कहने पे कर रहे हैं तो मूवमेंट कैसा बन गया या अवध किसान का बिल्कुल वायलेंट बन गया एंड एट द एंड जो है कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी तो अब हम ना पढ़ते हुए चलेंगे तो टाउनस में मूवमेंट लॉन्च हुआ बट स्लो हो गया एनसीएम क्यों हो गया क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे इंडिया दूसरा के। अब हमने विलेज साइड का पढ़ा तो यहाँ भी हमने देख लिया कि किसानों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च तो करा बट उसको वायलेंट बना दिया जिसको महात्मा गांधी अप्रूव नहीं करते तो ये भी अनसक्सेसफुल ही हो गया अब तीसरा हमें पढ़ना है गुडेम हिल्स के ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में कि ये जो जंगलों में रहने वाले ट्राइबल पॉपुलेशन होती है गुडेम हिल्स की वहाँ पर मूवमेंट लॉन्च होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो क्या रूप लेता है तो क्या पहले से ही गुडेम हिल के जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी इनकी टसल चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्यों चल रही थी इनफैक्ट एक वॉर ही चल रहा था यहां देखो आप नाइनटीन में ही अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ट्वेंटी बट ये गुडैम हिल्स में 1920 से ही गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है ये एक बहुत स्पेशल टेक्निक होती है लड़ाई करने की इसमें जो है एक छोटे ग्रुप जो है एक बड़ी आर्मी से लड़ते हैं ठीक है थीके? अब ये गुडैम हिल्स में जितने ट्राइबल्स थे वो तो कम पॉपुलेशन में थे ये बहुत सारी आर्मी से ब्रिटिशर्स की लड़ते थे कहां पे अपनी हिल्स में छुप के तो इसलिए इसको गुरिल्ला वॉरफेयर बोला जाता है छुप के जंगलों में पहाड़ों के पीछे जो है अटैक करा जाता है तो इससे क्या होता है कि फिर अगर वो कम नंबर में भी होते हैं तो जो बड़ी मिलिशिया होती है उसको हरा देते हैं तो गरीला वॉरफेयर चल रहा था नाइनटीन से ही कहाँ पर गुडैम हिल्स में अब जो है गुडैम हिल्स के जो तो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो वॉर कर क्यों रही थी ब्रिटिशर्स से तो उसका भी रीज़न था उसका रीज़न ये था कि ऑलरेडी इन लोगों को जो है काफ़ी ये परेशान थे ब्रिटिशर्स से क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था फॉरेस्ट में ऐसे लॉ लगा दिए थे कि उनकी फॉरेस्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन की एंट्री बंद कर दी थी आप खुद सोचोगा इस ट्राइबल पॉपुलेशन जंगलों में रहने वाली उन्हें ही मना कर दिया इन्होंने जंगलों में रहने से कि आप जंगल में नहीं जा सकते हो जंगल में जाके पेड़ नहीं काट सकते हो लकड़ी नहीं ले सकते हो फ्रूट नहीं तोड़ के ला सकते हो जंगल में एंट्री बंद कर रखी थी ट्राइबल पॉपुलेशन की तो इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशन में गुस्सा था और ऑलरेडी वहाँ पर गुरेला वॉरफेयर चल रहा था अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने की बात होती है तो जितने भी गुडेम हिल्स के ये जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए प्लस जो है गाइज एक तो ये ब्रिटिशर्स ने ये फॉरेस्ट लॉ लगा ही रखा था कि गुडेम हिल्स के जितने भी ट्राइबल्स वो वो फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते एक और चीज वो कर रहा था ब्रिटिशर्स किसके साथ गुडेम हिल्स के ट्राइबल्स के साथ, ट्राइबल साथ? उन्हें फोर्स कर रहा था क्या करने के लिए बेगार करने के लिए अब गुडेम हिल के ट्राइबल को यह मना कर दिया कि आप जो है अंदर जाके खाने पीने की चीज़ नहीं ला सकते हो ना ही फ्रूट तोड़ सकते हो ना ही जो है लकड़ी ला सकते हो और उनको जो है साथी के साथ ये फोर्स करा कि वो बेकार करें यानी कि फ्री में काम करें सड़कें बनाने का तो यहाँ पर गुडेम हिल्स के लोगों को और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एक तो उन्हें उनसे उनकी जो है लाइवलीहुड छीन ली अब जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वो कोई स्कूल में जॉब नहीं करते हैं वो कोई इंडस्ट्री में फैक्ट्री में जॉब नहीं करते उनके लिए उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट है वो सब फॉरेस्ट से लेते हैं एक तो उनकी लाइवलीहुड बंद कर दी ऊपर से उन्हें फोर्स करा गया कि अब बेकार करो हमारे लिए अब हमारे लिए फ्री में काम करो सड़कें बनाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे गुडेम हिल के ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इवन ट्राइबल पॉपुलेशन ने ये भी कहा कि हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपने हमारा कोई फॉरेस्ट में जाना बंद करा दिया ये हमारे लिए जो है गलत बात है इनफैक्ट उनके लिए उनके फॉरेस्ट में जाना उनका ट्रेडिशनल राइट था कि उनके पूर्वज हमेशा वहाँ जाते थे वहीं पले बड़े हैं वो वहीं के हैं तो उन्हें ही मना कर दिया उनके फॉरेस्ट में घुसने से तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स जो थे हमारे फॉरेस्ट के जितने भी ट्राइबल पीपल थे गुडेम हिल के उनके हर्ट हो रखे थे तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है तो यहाँ पे जो गुडेम हिल्स के जो लोग हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका एक लीडर होते हैं कौन अलूली सीताराम राजू आज भी अलूली सीताराम राजू को एक फोक हीरो माना जाता है उन्हें बहुत याद करा जाता है ग्रेट हीरो की तरह तो अलूरी सीताराम राजू कौन थे वो लीडर बनते हैं गुडेम हिल्स के लोगों के सब क्लेम करा जाता था कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं जोत हैं वो बहुत अच्छे और इवन ऐसी बातें थी कि अलूरी सीताराम राजू इतने पावरफुल हैं कि गोलियों के जो बंदूक के जो बुलेट्स हैं वो शॉर्ट्स हैं वो भी सह सकते हैं और उनको भगवान का रूप माना जाता था इन द ट्राइबल पॉपुलेशन वो उन्हें भगवान का रूप मानती थी तो अलूरी सीताराम राजू हेड थे ट्राइबल पॉपुलेशन के और वो लॉन्च करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब स्वराज के लिए डिमांड करते हैं बट देखो अलूरी सीताराम राजू ना बहुत बड़े फॉलोअर भी थे किसके महात्मा गांधी के वो महात्मा गांधी को मानते थे वो कहते थे कि खादी कपड़े पहनो एंड जो है लिकर यानी कि शराब नहीं पीनी चाहिए और जब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो उन्होंने ये बात को अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन में भी बहुत फैलाया उन्होंने कहा कोई भी जो है फॉरन क्लोथ नहीं पहनेगा सब खादी के कपड़े पहनेंगे और कोई भी शराब नहीं पिएगा बट एक चीज़ थी जिसपे वो महात्मा गांधी के साथ में जो है अग्री नहीं करते थे वो क्या थी देखो महात्मा गांधी कहते थे वायलेंस नहीं करना हम लोगों को जो है नॉन वायलेंस के थ्रू नॉन कॉपरेशन करना है हम मारधाड़ नहीं करेंगे बिना मारधाड़ के हम लोग जो है सत्याग्रह के थ्रू पीसफुल प्रोसेशन के थ्रू हम अपनी डिमांड्स मनवाएंगे बट जो हमारे आलूडी सीताराम राजू थे उनका कहना था कि विदाउट वायलेंस हमें कुछ नहीं मिल सकता है अगर हमें अपनी मांगे पूरी करनी है अगर गुडेम हिल्स के लोगों को अपनी मांगे पूरी करनी है कि फॉरेस्ट में दोबारा वो चले जाएँ और उन्हें बेगाड़ नहीं करना पड़े तो उसके लिए उन्हें हथियार उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही वो करते हैं क्या होता है गुडैम हिल्स के अंदर फिर से जो है अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं ये जो गुडेम हिल्स की ट्राइबल पॉपुलेशन थी जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है ये पुलिस स्टेशन को जाकर अटैक करते हैं ब्रिटिश के काफी सारे ऑफिसर को जो है मार देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को माना जाता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ट्राइबल पॉपुलेशन में भी वायलेंट हो गया एनआरियन आपको यह याद रखना है कि 1924 में जो अलूरी सीताराम राजू है उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स पकड़ के जो है एग्जीक्यूट कर देते हैं मार देते हैं और आज के समय पर भी आज तक अलूरी सीताराम राजू को याद किया जाता है एज अ ग्रेट फोक हीरो तो यहाँ हमने दोनों पढ़ लिए टाउन में भी मूवमेंट अनसक्सेसफुल हो गया स्लो हो गया और यहाँ जितना भी हमने गांव का एरिया पढ़ा चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन थी चाहे वो किसान थे दोनों ने ही मूवमेंट को क्या कर दिया वायलेंट कर दिया मूवमेंट में जो है वायलेंस का शुरू हो गया और जो महात्मा गांधी सपोर्ट नहीं करते थे अब हमें पढ़ना है गाइज स्वराजन प्लांटेशन ना वॉट इज़ प्लांटेशन आप चाय पीते हो कॉफ़ी पीते हो तो वो छोटे छोटे पत्तों से उगती हैं वो पत्ते बहुत ह्यूज लेवल पर प्लांटेशन की फील्ड्स में जो है वहाँ पे जो है उनको एक एक हाथ से तोड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारे लेबर यूज़ होती है ठीक है तो आसाम साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ बड़े बड़े फार्म्स आपके लोग प्लांटेशन होती हैं ऐसे पहाड़ होती है उतनी बड़ी और वहाँ पर चाय पत्ती उग रखी होती है छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और उनको लेडीज़ जो हैं और काफ़ी सारे लेबर होते हैं उठा के पिक करके पीछे बास्केट में डाल रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी लेबर की ज़रूरत होती है तो ब्रिटिश ज़माने में भी ऐसा ही था प्लांटेशन जो थी आसाम साइड में होती थी और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेबर बना के जो है ले जाया जा रहा था एंड एक एक बार अगर कोई वहाँ पे जाके लेबर बन गया तो उन्हें बॉन्डेड लेबर बना दिया जाता था यानी कि एक बार अगर कोई प्लांटेशन वाले एरिया में चला गया तो वो हमेशा वहीं रहेंगे और बहुत ही कोई मुश्किल से अगर परमिशन ले सकते थे तो वो अपने घर जा सकते थे हर समय उन्हें वहीं रहना होता था वहीं काम करना होता था तो प्लांटेशन वर्कर्स का बहुत मन था कि वो वापस अपने घर जा सके तो इसलिए जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें एक मौका मिल गया है उन्हें फ्रीडम मिल गया है उन्हें स्वराज मिल गया है और अब वो प्लांटेशन एरिया को छोड़कर अपने घर जा सकते हैं तो लेट्स स्टडी अबाउट द स्वराज इन प्लांटेशन तो जैसे मैं बताया स्वराज इन द प्लांटेशन प्लेस कहाँ थी असाम की पार्टिसिपेंट्स कौन थे प्लांटेशन वर्कर उनके लिए स्वराज मतलब क्या था फ्रीडम टू मूव इन एंड आउट फ्रीली फ्रॉम द एरिया उनके लिए फ्रीडम मतलब क्या था उनके लिए नॉन कॉपरेशन मतलब क्या था कि भाई अब हम कभी भी किसी भी समय उठ के अपने घर जो है वो जा सकते तो हैं कनेक्ट विद द नेटिव विलेजेस कि वो वापस जाए और अपने घर वालों से मिल पाए बट गाइज इसमें एक प्रॉब्लम थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनाया था इन 1859। वही मैंने आपको कहा ना कि उन्हें घर जाने की परमिशन नहीं थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनाया था 1859 में इस एक्ट के अंदर अगर कोई इंसान अगर इस प्लांटेशन एरिया में आ गया ठीक है वर्क करने के लिए तो वो कभी भी अपने घर नहीं जा सकता है जाएगा सिर्फ एक ही उस पर जब वो परमिशन ले लेगा ठीक है और परमिशन रेयरली मिलती थी तो मतलब कि एक बार आप प्लांटेशन में रह गए तो बाहर नहीं आ सकते हो ठीक है तो इसीलिए जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है तो हमारे जितने भी प्लांटेशन वर्कर हैं वो सोचते हैं कि अब हमें स्वराज मिल गया है अब हम अपने नेटिव से जाके विलेजेस से जाके मिल सकते हैं और जब चाहे इस प्लांटेशन एरिया से बाहर निकल सकते हैं बट ऐसा नहीं होता है जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है उन्हें पता चलता है लॉन्च हो गया तो वो अपनी प्लांटेशन एरिया को जो है छोड़ देते हैं वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें मारते पीटते हैं और सारे प्लांटेशन वर्कर्स बाहर निकल जाते हैं प्लांटेशन फील्ड में से रास्ते में जा रहे होते हैं वो अपने अपने घरों के लिए तो उन्हें दिखता है क्या होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है तो स्ट्राइक्स हो रखी होती है रेलवे बंद सब बंद तो उनके पास घर जाने का कोई मीडियम नहीं होता रेलवे वगैरह कुछ नहीं होती है और वहीं रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो ब्रिटिश के ऑफिसर पुलिस मैन उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत मारते पीटते हैं और वापस उनको कहाँ डाल देते हैं प्लांटेशन फील्ड्स के अंदर तो यहाँ पर आपने देखा दैट उन्होंने सोचा क्या था कि अब जो है उन्हें फ्रीडम मिलेगा स्वराज आ गया है गांधी राज आ गया है घर जाएंगे गिफ्ट में लैंड मिलेगा सब अपनी प्लांटेशन वर्कर्स के वहाँ जो ऑफिसर्स थे उन्हें पीट पाट के बाहर आ जाते हैं रेलवे लाइन्स तक जाते हैं जब रेलवेज तक वहाँ रेलवे बंद होती है वहीं पे ही अभी वो होते हैं कि ब्रिटिशर्स आके उन्हें उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पीट के वापस वहां प्लांटेशन वर्क में डाल देते हैं तो उनके लिए एनसीएम गया। 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 कि से टाउन्स में मूवमेंट क्या हुआ स्लो डाउन हो गया कंट्री साइड में मूवमेंट वायलेंट हो गया प्लांटेशन वर्कर्स के लिए मूवमेंट अनसक्सेसफुल हो गया वो अपने घर नहीं जा पाए बट जो भी था मूवमेंट कैसा भी हुआ बट हर जितनी भी कम्युनिटीज ने जो भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा तो हमेशा उन्होंने एक नारे की आवाज आई अब क्या स्वतंत्र भारत पहले इंडिया में इतनी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी मैंने आपको कहा ना नेशन वाइड फीलिंग नहीं थी बट अब धीरे धीरे वो आने लग गई थी अब सब ने एक ही नारा लगाया स्वतंत्र भारत गांधी जी के कहने पे सारी कम्युनिटीज ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू करा और आवाज़ लगाई स्वतंत्र भारत तो बहुत ही ह्यूज लेवल पे पूरे इंडिया में कहाँ अवध कहाँ आंध्र प्रदेश पूरे इंडिया के लोगों ने जो है पार्टिसिपेट करा अब इस मूवमेंट में एंड दे कॉल्ड फॉर द स्वराज बट देखो गाइस धीरे धीरे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और एक ऐसा इंसिडेंट होता है इतना वायलेंट इंसिडेंट होता है कि महात्मा गांधी को फाइनली इस मूवमेंट को कॉल ऑफ यानी कि बंद करना पड़ता है तो ये इंसिडेंट कौन सा होता है चौरी चौरा का इंसिडेंट है ये चौरी चौरा गोरखपुर में है यहाँ पे क्या हो रहा था दैट पुलिस स्टेशन के सामने कुछ सतह गही प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो पुलिस वाले उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं उन्हें मार देते हैं ठीक है अब एज अ रिजल्ट सत्याग्रही को भी गुस्सा आ जाता है सत्याग्रहीज भी अटैक करते हैं बैक और रात में जाकर सत्याग्रहीज पुलिस स्टेशन को जाके जला देते हैं जो पुलिस वालों की चौकी थी उसको जला देते हैं और जैसे ही वो जो है पुलिस चौकी को जलाते हैं उसमें लगभग इक्कीस बाईस पुलिस वालों की डेथ हो जाती है और मोमेंट बहुत वायलेंट हो जाता है तो ये देखकर महात्मा गांधी जो है मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं मूवमेंट को बंद कर देते हैं क्योंकि लगभग हर एरिया में जो है मूवमेंट वायलेंट हो रहा था महात्मा गांधी को लगता है ये देखो ये जो है चौरी चौरा नाइनटीन इंसिडेंट दिखा रखा है तो इसके बाद महात्मा गांधी जो है मूवमेंट को बंद कर देते हैं उन्हें लगता है कि अभी पहले सतह गहेज इसको और अच्छे तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा तब हम कोई मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं एंड विद दिस हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंप्लीट हो गया है अब पढ़ना है हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नंबर थ्री टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हाफ ऑफ द चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो गया अब हमें पढ़ना है एक नया मूवमेंट लॉन्च होता है कुछ समय बाद दैट वॉज सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अब यह क्यू लॉन्च होता है इससे पहले कुछ रीजें होंगे तभी तो सिविल डिसोबीडियस लॉन्च जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ रॉयटेट सत्याग्रह के बाद खिलाफत इशू के लिए अब सिविल डिसोबिडियंस क्यू लॉन्च होता है वो हम पढ़ेंगे टॉपिक थ्री ओके गाइस तो अब पता है टॉपिक थ्री टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस कैसे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है तो इससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं क्यों महा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉलो

प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन तो एक स्टेट वाइज इलेक्शन होने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि अब हमें जो है स्टेट्स के जो इलेक्शन है उनमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए और अगर हमें पॉलिटिकल पावर मिलेगी तो शायद हम ब्रिटिशर्स के ऊपर कुछ अपनी डोमिनेंस दिखा पाए पॉलिटिक्स को अंदर से अगर हम चेंज कर पाए ठीक है सिस्टम के अंदर में अगर हम रहेंगे तो हम वहाँ पर चेंजेस ला पाएंगे इंडियंस के लिए कुछ हक मांग पाएंगे तो कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कहा कि अब उन्हें मास एगिटेशन नहीं चाहिए उन्हें नॉन कॉपरेशन नहीं चाहिए अभी प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे तो वो चाहते थे कि वो उसमें जो है पार्टिसिपेट करें और उन्हें ऐसा रहा था कि अगर उन्हें ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करना है तो उन्हें काउंसिल के अंदर रह के उनसे आर्ग्यू करना पड़ेगा दैट आई टोल्ड यू रीजन ऐसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है अब कुछ ऐसे रीडर्स ना जो चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो जाए एंड वो जो है पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री कर पाए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए तो उनमें से दो बहुत फेमस लीडर्स थे हमारे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू तो ये चाहते थे दैट अब जो है फिर से पार्टिसिपेट करना शुरू जाना चाहिए किसमें इलेक्शंस में तो ये अपनी एक पार्टी फॉर्म कर लेते हैं इन द कांग्रेस होंगी कांग्रेस में एक और पार्टी फॉर्म कर लेते हैं अपनी स्वराज पार्टी एंड ये अर्ग्यू करते हैं कि ये काउंसिल पॉलिटिक्स में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर जो यंगर लीडर्स थे कांग्रेस के वो सपोर्ट में नहीं थे पार्टी एंड ये जो पॉलिटिक्स है उसमें वापसी के लिए तो जो यंगर लीडर्स थे वो चाहते थे कि हम हॉर लेवल पे प्रोटेस्ट करें एगिटेशन करें मास एगिटेशन करें जिससे हम सुराज हासिल कर सकें बट जैसे हमने देखा कि जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म करी और उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा तो अब आगे बढ़ते हैं गाइज तो और क्या क्या हुआ गाइज एट एंड क्या हुआ कि हमने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च करा अब हमें यह जानना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो गया ठीक है वो बंद हो गया उसके बाद क्या पॉलिटिक्स रही हमारी कंट्री की दैट हमने फिर से एक मूवमेंट लॉन्च करा दैट वॉज द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तो अब हमें पॉलिटिक्स के बारे में जब जानेंगे माहौल क्या चल रहा था तभी तो समझ में आएगा आगे आगे क्या हुआ तो दो फैक्टर्स थे जिन्होंने शेप करी हमारी कंट्री की एंड कांग्रेस की पॉलिटिक्स को आफ्टर द एनसीएम तो पहला रीजन था गाइस पहला फैक्टर था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन सिर्फ इंडिया में नहीं आया था गाइस वो तो पूरे वर्ल्ड में आता है और उसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू होता है यूएसए से एंड देन पूरी हर एक कंट्री जो यूएसए से एसोसिएटेड थी जो यूएसए से हेल्प ले रही थी और बाकी सब कंट्रीज में इसका इफेक्ट दिखा गया हमने हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ा था वह जर्मनी पे लोगों को ब्रेड खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे इतने इतने पैसे लेने पड़ते थे याद आया आपको बास्केट भर के वो पूरी ट्रॉली भर के ब्रेड खरीदने के लिए पैसे ले जाने पड़ते थे यस तो इतनी गरीबी हो गई थी यानी कि इतना ज्यादा डिप्रेशन था दैट लोगों पे खाने तक की खरीदने के लिए पैसे नहीं थे कंट्रीज पे रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं था अब अगर इंडिया की बात करो हमारी हम तो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर हैं आज भी हैं और पहले भी थे ठीक है देखते हो हमारा एग्रीकल्चर कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कितने सारे रॉ मटेरियल्स के हम तो उस जमाने में भी थे उस जमाने में तो हमारी इकोनमी एग्रीकल्चर से चल रही थी हम गेहूँ हो गया चावल हो गया चीनी हो गया सब कुछ एक्सपोर्ट करा करते थे वी वर द एक्सपोर्टर बाहर के देशों को बेचते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और उनसे पैसा कमाते थे बट अब क्या हुआ बाहर के देशों में ही डिप्रेशन आ गया उन पर पैसा ही नहीं था खरीदने का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हर कंट्री ने क्या करा अपना उगाना शुरू कंट्री है उसके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है तो वो क्या करेगी खुद उगाएगी अपनी जमीन पे चावल गेहूँ उगा लेगी जब भी से खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने अपना एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल बनाना उगाना शुरू कर दिया और हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन हो गए अब हमारे फार्मर्स क्या करते थे जैसे एक फार्मर है उसने अपने पीस ऑफ लैंड पे कोई फसल उगाई है तो वो फसल काटते थे और कुछ फसल उनकी बाहर के देशों को बिक जाती थी एक्सपोर्ट हो जाती थी जो पैसा वो कमाते थे कुछ पैसा वो खुद रखते थे और बाकी पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए रेवेन्यू पे कर देते थे तो ऐसा सिस्टम चल रहा था बट क्या हुआ बाहर के देशों ने हमारे से सामान खरीदना ही बंद कर दिया एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया हमारा डिमांड खत्म हो गई हमारे गुड्स की अब जैसे ही गुड की डिमांड खत्म होती है तो उसके प्राइस खत्म हो जाते हैं फार्मर्स के पास ढेर लग गए अनाज के बट अनाज खरीदने वाला कोई नहीं था अब जब आपके पास डिमांड कम है तो मतलब प्राइस करेंगे समझ लो जब भी किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस कम होगा ऐसे आप एग्जाम्पल ले लो आईफोन का आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है ना हर किसी को चाहिए तो रेट देखो वो कैसे बढ़ाए जा रहे हैं अपने वहीं अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई लोग नहीं ख़रीदना चाह रहे उसको तो उसके रेट गिर जाएंगे अब हमारे पास इतना अनाज इतना एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल था ख़रीदने के लिए कोई था नहीं खरीदार एक्सपोर्ट होने बंद हो गए तो प्राइस फॉल हो गया फार्मर्स की फसलें बिकी ही नहीं तो वो जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू कैसे भरे और ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं होता था ये अपना रेवेन्यू लेने के लिए खड़े होते थे वही रेवेन्यू दे दो भाई फार्मर की फसल ही नहीं बिकी तो वो रेवेन्यू कैसे देगा बट इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था तो दिस वॉर इसकी वजह से पूरा जो हमारा जो कंट्री साइड था ना गांव वाला एरिया वो टर्मोइल में था बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था तो यहाँ आप देखो 1926 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस फॉल होने शुरू हुए नाइनटीन थर्टी में कोलैप्स हो गए और इसका इफेक्ट हमारी कंट्री में हमारी कंट्री साइड पर बहुत पड़ा फार्मर्स जो थे बहुत तंगी में आ गए थे ना ही उनकी फसलें बिकी और रेवेन्यू उनके पास इतना सारा था पे करने के लिए अब और कौन सा रीज़न था जिसने हमारी पॉलिटिक्स को शेप करा तो दूसरा रीजन था साइमन कमीशन अब ये साइमन कमीशन क्या तुमने कई बार नारा सुना होगा ये साइमन गो बैक साइमन वापस जाओ तो ये क्यों हुआ तो देखो इस ब्रिटेन ने क्या करा अब हमारी कंट्री में नेशनलिस्ट स्ट्रगल चले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ स्वराज की डिमांड हुई तो ये इन्होंने सोचा कि हमारी कंट्री को ना जैसे एक चॉकलेट टाइप दे, दे देते हैं जैसे छोटे बच्चे को मनाने के लिए देते हैं तो इन्होंने क्या करा जो ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट थी हमारी कंट्री में कमीशन बना के भेजते हैं एक कमीशन एक कमेटी बना के भेजते हैं कुछ लोगों

कमीशन को हमने कहा हम इन्हें अपनी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं लाने देंगे तो ये देख लो ये है सर जॉन साइमन हेड थे ये साइमन कमीशन के ऑब्जेक्टिव क्या था साइमन कमीशन का टू सजेस्ट सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अब प्रॉब्लम क्या थी इंडियंस ने बॉयकॉट क्यों करा इसे क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था ट्रीट कैसे करा हमने साइमन कमीशन को वन द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928 हमने कहा गो बैक साइमन साइमन वापस जाओ अब देखो ये गो बैक साइमन हमें तो बस थोड़ा सा ही बता रखा है बट जैसे ही साइमन इंडिया आती है साइमन कमीशन तो ऐसे ही प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे ये बैनर वैनर लेके लोगों ने मास लेवल पे प्रोटेस्ट करा साइमन गो बैक साइमन और इसी प्रोटेस्ट में हमारे एक बहुत फेमस लीडर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है तो उसका भी बहुत धक्का लगता है हम इंडियंस को कि एक तो एग्रीकल्चर प्राइजेस फॉलो हुआ है कंट्री साइड बहुत परेशान है ऊपर से में एक ऐसी कमीशन भेज रहे हो इंडिया में जो इंडियन के मेंबर्स ही नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए फिर हमारे इतने बड़े लीडर की डेथ हो जाती है तो इंडियंस बहुत परेशान थे और बहुत ही दुखी स्टेट में थे एंड ब्रिटिशर्स ये बात समझ गए थे कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा कहीं सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए हम कोई बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च ना कर दें एंड ऑल दैट तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं जैसे वही जो मैं आपको कह रही थी चॉकलेट देने की कोशिश करते हैं हमार को हमारी कंट्री को और हमारी कंट्री में एक लॉर्ड इरविन थे वाइस रॉय लॉर्ड इरविन वो आते हैं और हमार को ना दो ऑफर करते हैं कहते हैं ठीक है आप ना हमारे से डोमिनियन स्टेटस ले लो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ जिससे हम इंडिया के फ्यूचर को डिस्कस करेंगे अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बड़ी सी टेबल होती है वहाँ पे ये ब्रिटिशर्स इंडियंस को बुलाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी जो आपकी डिमांड्स वो यहाँ पर आके बताओ बट कोई सॉल्व नहीं करते थे डिमांड्स को बस बुलाते थे तारीख पे तारीख मीटिंग कर लेते हैं मीटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडिया जो है जैसे आपने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेशनल स्ट्रगल लॉन्च हुआ हमने स्वराज मांगा तो इन्होंने कहा आप डोमिनियन स्टेटस ले लो इंडिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ बाकी बातें डिस्कस करने लिए तो अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है देखो इन्होंने क्या कहा कि जो इंडिया है वो अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स खुद संभाल ले बट अंडर द क्राउन क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन जो है ना ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में इंडिया अपनी गवर्नमेंट संभाले यानी कि आप अपनी कंट्री में इलेक्शन कराओ पॉलिटिक्स आप अपनी कंट्री की खुद चलाओ बट रहोगे आप ब्रिटेन के अंडर में ही डोमिनियन स्टेटस हम आपको दे देते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ ये दो ऑफर इन्होंने हमें दिए बट ये ऑफर कांग्रेस को सेटिसफाई नहीं करे ऑलरेडी कांग्रेस के जितना रेडिकल वाला जो सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो गुस्से में था क्योंकि अभी लाला लाजपत राय की भी डेथ हो गई थी एंड इस वजह से हमने कहा कि भैया हमें ये हमारी ये चॉकलेट नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस की पॉलिटिक्स खुद संभाल लो क्राउन के अंडर में रखे हमें यह सब नहीं चाहिए और कांग्रेस जो है डिक्लेयर कर देती है जवाहरलाल नेहरू एक सेशन होता है कांग्रेस का भी बताती हूँ कौन सा और हम डिक्लेयर कर देते कि भैया हमें चाहिए पूर्ण स्वराज हमें तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस हमें चॉकलेट नहीं चाहिए हमें तो भैया पूरा का पूरा स्वराज पूरा इंडिया हमारा चाहिए तो कांग्रेस जो है मना कर देती है जो वाइस रॉय इरविन ने जो इतने हमें दो टैक्टिक्स बोले ना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ और जो है डोमिनियन स्टेटस लो हमने कहा हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए पूर्ण स्वराज तो लेट्स सी क्या होता है रेडिकल टुक ओवर द कांग्रेस तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो रेडिकल कौन हो गए जो यंग लीडर्स थे जो कहते थे कि हम जो है भैया अपनी बात मनवा के रहेंगे मॉडरेट्स होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट करके पॉलिटिक्स के थ्रू पावर लेना चाहते थे रेडिकल्स अपनी बात मनवाना चाहते थे बाय एनी मीन्स तो जो रेडिकल्स थे अब उनकी कमांड कांग्रेस में ज़्यादा हो गई थी रेडिकल्स की इन्फ्लुएंस ग्रो हो रही थी जैसे जवाहरलाल नेहरू ने हुआ था राडिकल तो उन्होंने क्या करा उन्होंने कहा कि नहीं भैया अब हमें चाहिए क्या चाहिए पूर्णरा चाहिए और इसलिए उन्होंने कांग्रेस का एक सेशन हेल्ड करा कहाँ पर लाहौर में ठीक है लाहौर में उस सेशन को हेड करा था जवाहरलाल नेहरू जी ने एंड इस लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया क्या एक रेजोल्यूशन की हमें चाहिए पूर्ण स्वराज ठीक है हमें चाहिए पूर्ण स्वराज एंड डिक्लेयर करा कि हमें जो है अगले महीने 1930 को 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे चाहे मिले इंडिपेंडेंस नहीं मिले हम तो भैया अगले महीने को अपना आज़ादी के जश्न के दिन की तरह सेलिब्रेट करेंगे तो ये आपको याद रखना है इस लाहौर सेशन हुआ नाइनटीन दिसंबर में इसको लीड करा नेहरू जी ने और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक रेजोल्यूशन क्या पूर्ण स्वराज की अब हमें चाहिए गाइस पूर्ण स्वराज और हम सेलिब्रेट करेंगे अपना पूंज स्वराज डे 26 जनवरी 1930 को ठीक है बट जब ये सेलिब्रेशन हुआ इसमें काफ़ी कम अटेंशन मिली लोगों की ठीक है लोग इस आज़ादी के जश्न मनाने हमें अभी मिली नहीं थी आज़ादी हमने जश्न का दिन मनाया अपना बट इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली लोगों की लोगों को इतना पता नहीं चला ये पूर्ण स्वराज के बारे में तो गांधी जी अब सोचते हैं कुछ जिससे अब फिर से जो है लोगों को इकट्ठा लाया जाए

जो कम्युनिटी है उसको साथ ला सकता हूँ कोई अमीर है वो भी खाने में नमक डालेगा गरीब भी डालेगा जिस पे बिल्कुल पैसा नहीं है वो भी डालेगा ठीक है तो खाने में नमक तो हर एक को चाहिए ही चाहिए टूथपेस्ट तो में डालो खाने में तो चाहिए नमक ठीक है फीका खाना कोई नहीं खा सकता है तो गांधी जी ने सोचा कि ये सॉल्ट एक ऐसा सिंबल है जो पूरे इंडिया को यूनाइट कर सकता है तो उन्होंने क्या करा डायरेक्टली कोई स्ट्रगल लॉन्च नहीं करा पहले उन्होंने थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन थर्टी को जो लॉर्ड वाइस रॉय इरविन थे ना वही जिन्होंने हमें चॉकलेट दी थी डोमिन स्टेटस ले लो उनको एक पूरा एक लेटर भेजा उसमें इलेवन बातें लिखी थी इलेवन बातों में काफ़ी सारी बातें हर एक ग्रुप की डिमांड को स्पेसिफाई कर रही थी चाहे वो फार्मर हो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई जनरल हो मिडिल क्लास हो बहुत सारी डिमांड्स थी और उसमें से एक मेन डिमांड ये थी सबसे स्टिरिंग डिमांड मेन डिमांड ये थी कि सॉल्ट टैक्स जो उसे अबॉलिश कर दो हटा दो सॉल्ट टैक्स हम नहीं देंगे सॉल्ट टैक्स ठीक है अब लॉर्ड इरविन भी बड़े वो थे उन्होंने इनमें से एक भी डिमांड को नहीं माना गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था गांधी जी ने थर्टी जनवरी को वो लेटर भेजा और कहा ग्यारह मार्च तक आप मेरी ये डिमांड्स फुलफिल कर दो और अगर आप नहीं करोगे तो अगले दिल से हम जो है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे और जो है कंट्री पूरे की पूरी एक मूवमेंट फिर से लॉन्च कर देगी ठीक है अब ये क्वेश्चन आ जाता है क्यों गांधी जी ने सॉल्ट यूज़ करा था इन द सीडीएम क्यों उन्होंने सॉल्ट को एज अ सिंबल माना था तो पहला सॉल्ट रिच एंड पुअर हर कोई कंज्यूम करता है वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल आइटम ऑफ फूड है ये एंड सॉल्ट हैव शोन जो इन्होंने सॉल्ट टैक्स लगाया ना नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया तो ये ब्रिटिशर्स की असली आप कह सकते हो कि उनकी आइडेंटिटी दिखा रहा है कि वो कितने बड़े अत्याचारी है, हैं कि ये नमक तक पे जो है टैक्स लगा देते हैं बट जो है इरविन कोई भी हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करते हैं तो गांधी जी वही करते हैं गांधी जी फाइनली लॉन्च कर देते हैं हमारी दांडी मार्च गांधी जी क्या कहते हैं अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया है अब हम लोग जो है इन अंग्रेजों के बनाए हुए लॉस को तोड़ना शुरू करेंगे तो गांधी जी लॉन्च करते हैं सॉल्ट मार्च शुरु कर देते हैं वो सॉल्ट मार्च को स्टार्ट करते हैं वो अपनी सॉल्ट मार्च अपनी सेवेंटी एट वॉलंटियर्स के साथ में और वो डिसाइड करते हैं कि वो साबरमती आश्रम से अपने आश्रम साबरमती से जाएंगे डांडी तक डांडी क्यों क्योंकि डांडी एक कोस्टल एरिया है वहाँ पे आगे समुंदर है समुंदर से डिसाइड करते हैं सॉल्ट बनाएंगे और सॉल्ट रॉक को ब्रेक करेंगे अब जैसे ही लॉ ब्रेक कर दिया मतलब सिविल डिसओबीडियंस हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने कहा था कि बस हम साथ नहीं देंगे हमने बॉयकॉट करा साथ नहीं दिया पिकट करा शॉप्स को शॉप्स बंद कर दी बट हमने कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करा था अब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करा अब गांधी जी खुद एक लॉ तोड़ने वाले थे सॉल्ट

रोज़ थोड़ा थोड़ा चलती थे और टेन माइल्स अ डे चलते थे और ट्वेंटी फ़ोर डेज़ लगे उन्हें वहाँ पहुँचने में ठीक है जाते थे थोड़ी देर रुकते थे जब वो रुकते थे तो लोग उनसे मिलने आते थे रेस्ट करते थे फिर जाते थे उन्हें चौबीस दिन लगे साबरमती से डांडी पैदल चल के वो गए हर रोज़ कम से कम दस माइल वो चलते थे एंड फाइनली जब वो जो है जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे अपने वॉल्टियर्स आते थे उनसे मिलते थे बातें करते थे और गांधी जी सबको जो है उस समय में स्वराज का मीनिंग समझाते थे और कहते थे कैसे वो जो है पीसफुली ब्रिटिश Laws को आप तोड़ना शुरू करेंगे फाइनली 6 अप्रैल को डांडी पहुंच जाते हैं महात्मा गांधी एंड जो है फर्स्ट टाइम वो जो है लॉ ब्रेक करते हैं सॉल्ट लॉ क्या करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं सॉल्ट फ्रॉम द सी

बट यहां सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने क्या करा लॉज ब्रेक करने शुरू कर दिए दैट वर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक है तो थाउजेंड्स ऑफ एरियाज़ में कंट्री के हमारे सॉल्ट मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया अब पहले लोगों को नमक खरीदने के लिए बहुत टैक्स देना पड़ा था अब लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया और जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुआ फिर से लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकआउट करा लेकर शॉप को पिकेट करा और अब की बार पीजेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया रेवेन्यू पे करना तो पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया हम नहीं देंगे हम पे नहीं करेंगे बिल्कुल भी रेवेन्यू को किसी भी टाइप का रेवेन्यू हो वो और फॉरेस्ट में जितने भी फॉरेस्ट एरिया जिनको रिस्ट्रिक्ट करा था ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर जो है लोगों ने जाना शुरू कर दिया वहाँ से अपने कैटल को ग्रेस

ब्रूटल तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी तो दे बेगे अरेस्टिंग द मेजर लीडर्स ऑफ सी अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हर जगह पे चल रहा था तो कोई ना कोई लीडर्स उस मूवमेंट को जो है आगे चला रहे थे तो इन्होंने क्या करा फिर से लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया अब इन्होंने सबसे पहले अरेस्ट करा मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो क्या है अब्दुल गफार इन्हों... खान को अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल नाइनटीन में तो खान अब्दुल गफार खान बहुत बड़े डिबोटी थे महात्मा गांधी के एंड खान अब्दुल गफार खान वॉज लोकल लीडर तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे तो जब उनको अरेस्ट कर लिया तो पेशावर में जो उनके फॉलोअर्स थे खान अब्दुल गफार खान के वो सड़कों पे आ गए एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग और जैसे ही फॉलोअर्स ने प्रोटेस्ट करा तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटिश ऑफिसर्स है उन्होंने फॉलोअर्स को मारना शुरू कर दिया इवन गांधी जी तक को अरेस्ट कर लिया गया और जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया उसके एक महीने बाद तो जब गांधी जी को अरेस्ट करा तो जो शोलापुर फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे वो बहुत गुस्से में आ गए एंड उन्होंने दिन गवर्नमेंट की म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस वगैरह को अटैक करा और ये सब देख के जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट घर भरा गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन करा अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने पीसफुल सत्यग्रहस्त थे उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया वुमेन हो गए चिल्ड्रन हो गए सबको जो है मारना पीटना शुरू कर दिया एंड ऑलमोस्ट एक लाख लोगों को उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया तो आपने देखा जैसे ही हमने लॉस को ब्रेक करना शुरू करा तो ये कितना डर गया और इन्होंने कितना

एंड उसके थ्रू इस मूवमेंट को वो बंद करते हैं अब लॉर्ड इरविन कौन वही लॉर्ड इरविन जिन्होंने चॉकलेट दी थी डोमिनेंस स्टेटस ले लो और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ और जिनको जो है महात्मा गांधी ने वो ग्यारह बातों वाला लेटर लिख ले के भेजा था तो उन्हीं लॉर्ड इरविन के साथ अब फाइनली महात्मा गांधी एक पैक्ट में आते हैं एक उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन करते हैं लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी का जो ये पैक्ट है इसको गांधी इरवन पैक्ट भी बोला जाता है ये एक एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था पाँच मार्च 1931 को बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन अब इस आग... पैक्ट में लॉर्ड इरविन प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये पैक्ट साइन हो गया तो लॉर्ड इरविन जितने भी लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट करा उन्हें छोड़ देंगे एंड साथ ही के साथ जो सॉल्ट टैक्स है वो हटा देंगे अब लोग घर पर अपना सॉल्ट बना सकते हैं ये उन्होंने प्रॉमिस करा किसने इरविन ने और गांधी जी को उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी जो है सत्याग्रही कैंपेन्स बंद करे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट बंद करे और साथी के साथ क्या करे हमारे साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंडन चले तो अब गांधी जी को फाइनली इस बात को मानना पड़ता है दैट वो जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन कर लेते हैं और गांधी जी कहाँ चले जाते हैं लंडन चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको बॉइकआउट कर दिया था कांग्रेस ने क्यों करा था समझ गए ना आप अभी मैंने आपको बताया था जब उन्होंने हमें चॉकलेट दी वो कि ये ले लो डोमस एडर्स और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ दो कांग्रेस नहीं गई थी बट अब सेकंड वाले में गांधी जी चले जाते हैं और गांधी जी इसलिए जाते हैं कि हमें लॉर्ड एडविन ने प्रॉमिस करा होता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनस को अब रिलीज कर देंगे तो इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंडन फॉर द कॉन्फ्रेंस गांधी जी लंडन जाते हैं बट वापस काफी डिसहार्टन होकर काफी नाखुश होकर गांधी जी वापस लौटते हैं कि इंडियंस के हक में कोई बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं होती है एंड जब वो वापस आते हैं तो उन्हें एक और शौक लगता है कि यहां पे ब्रिटिशर्स ने जितने दिन गांधी लंदन थे लंदन जाने में समय लगता था आने में समय लगता था जितने दिन महात्मा गांधी इंडिया से बाहर थे लंदन में थे इन्होंने यहाँ पे ब्रूटल रिप्रेशन की एक और साइकिल शुरू कर दी थी अभी तक कोई भी बड़े बड़े लीडर्स को इन्होंने बाहर नहीं निकाला था जेल से गफ्फार खान को जवाहरलाल नेहरू को सबको जेल में डाल दिया इवन कांग्रेस को इलीगल कह दिया हर पोलिटिकल पार्टी को कह दिया कि ये इलीगल है और कोई बॉयकॉट नहीं कर सकता कोई मीटिंग नहीं कर सकता एंड बहुत ही आप मान लो कि हमारा नव इन्होंने धोखा करा हमारे साथ गांधी जी को बाहर भेज दिया और यहाँ पे एक ब्रूटल साइकिल चला दी बहुत ही ज़्यादा अपनी डोमिनेटिक साइकिल चला दी ठीक है सारे लीडर्स अरेस्ट कर लिए किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट बंद कर दिया, दिया हैं है, है, तो एक दो साल तक फॉर ओवर अयर द मूवमेंट कंटिन्यू बट नाइनटीन तक ये मूवमेंट मोमेंटम लॉस करते देखो मूवमेंट में ना मोमेंटम होता है एकदम से जोरों जोर पर चला बट उस समय पे गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया अब उन्होंने फिर से लॉन्च करा थोड़ा थोड़ा चला बट अब लोग थक चुके थे मूवमेंट 1934 में अनसक्सेसफुल हो जाता है बंद हो जाता है अब यहां पे गए हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है अब हम देखेंगे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट करा क्या उनका रिएक्शन था जैसे हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का देखा वहां पे फार्मर्स की क्या डिमांड थी ट्राइबल पीपल की क्या थी स्वराज प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था वो पढ़ा अब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में देखेंगे कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट करा उनकी क्या डिमांड थी और क्या लिमिटेशन थी क्या क्या कमियाँ थी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में वो पढ़ेंगे और फिर चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाएगा टाइस तो अब हमें पढ़ना है सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट करा तो सबसे

सकते हैं प्रॉब्लम क्या थी आज आपको पता है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो गए और जितने भी फार्मर्स थे उनका सामान बिका नहीं बट उनके पास रेवेन्यू बहुत था पे करने के लिए तो प्रॉब्लम थी दैट अनेबल टू पे दे रेवेन्यू क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से तो उनकी डिमांड थी कि जो रिडक्शन हो जाए रेवेन्यू का तो जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने सिविल मूवमेंट पार्टिसिपेट ये सोच के करा कि अगर वो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो और गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी आवाज रेज करेंगे ब्रिटिशर्स तक कि जो है रेवेन्यू

बताया था गाइस कि जब वहाँ पे अवध में पीजेंट्स ने जब रिवोल्ट करी थी तब भी क्या हुआ था अवध पीजेंट जो थे अवध के जो किसान थे मैंने कहा उनका ब्रिटिशर्स दुश्मन नहीं थे उनके उनके दुश्मन कौन थे तालुकदार थे क्योंकि तलुकदार्स उनको एक्सप्लॉयट कर रहे थे अब यहाँ पे भी यही है पुअर फार्मर्स के आप कह सकते हो उनके ऑपरेसर उनके अत्याचारी ब्रिटिशर्स डायरेक्टली नहीं थे उनके अत्याचारी रिच फार्मर्स थे क्योंकि रिच फार्मर्स पुअर फार्मर्स को अपने लैंड पे काम करवाते थे उन्हें पैसे भी नहीं देते थे और उनसे बहुत हाई रेंट्स मांगते थे तो इसलिए पुअर फार्मर्स जो थे उनका जो रिवोल्ट था दैट वॉज अगेन द रिच फार्मर्स अगेंस्ट द रिलेक्शन ऑफ रेंट अब रिच फार्मर्स क्या करते थे बड़े बड़े फार्मर्स अपनी फार्म्स के ऊपर काम करवाते थे पुअर फार्मर्स से और उनसे रेंट लेते थे तो कुछ समय पहले जो है जो पुअर फार्मर्स उन्होंने अपनी नोटिस no सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को एंड तो इवन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्हें पुअर फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करा वाई बिकॉज देखो एक ही जगह को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट कर सकती थी या तो रिच को करती है या पुअर को करती है अगर रिच को करेगी तो से उसका साथ नहीं देंगे क्योंकि पुअर किसके खिलाफ खड़े हुए थे रिच फार्मर्स के खिलाफ अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस पुअर फार्मर्स का सपोर्ट करती अगर उनकी मांगों को आगे रखती तो रिच फार्मर्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते ठीक है तो इसलिए जो है कांग्रेस द डिन सपोर्टेड द नो रेंट कैंपेन जो पुअर फार्मर्स ने चलाई थी कि जो रिच फार्मर्स हैं उनकी रेंट माफ़ कर दे एज अ रिजल्ट दे जॉइन द वराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन डेड बाई सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट तो इसलिए कांग्रेस ने तो पुअर फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करा बट जो सोशलिस्ट पार्टीज थी और कम्युनिस्ट पार्टीज थी उन्होंने पुअर फार्मर्स की हेल्प करी और पुअर फार्मर्स ने भी पार्टिसिपेट करा थोड़ा बहुत सिविल डिसोबिड मूवमेंट में बट लूक वॉर्म लिखा यानी कि थोड़ा थोड़ा सपोर्ट था इनका सिविल डिसोबीडियस में तो अगर आपको समझना हो कि क्यों कांग्रेस ने पुअर फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करा भाई अब या तो रिच को करेगी या पुअर को करेगी अगर पुअर की मांग कहेगी तो रिच नहीं साथ देंगे और अगर रिच की मांग सा... को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस तो पुअर साथ नहीं देंगे तो इस समय पर कांग्रेस ने रिच फार्मर्स की ज़्यादा साइड ली क्योंकि रिच फार्मर्स उन्हें फंड भी देते थे ठीक है तो अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट है बिजनेस क्लास तो देखो बड़े बड़े बिजनेस जो थे ना हमारी कंट्री के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ उनकी बात हो रही है ये तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड ये थी कि वो चाह रहे थे कि प्रोटेक्शन हो जाए उनका अगेंस्ट इम्पोर्ट जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ जिस समय में ब्रिटिशर्स बिजी हो गए थे ना वर्ल्ड वॉर वन के अंदर तो उस समय में हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को बहुत बूस्टअप मिला हमारे यहाँ के कॉटन के कपड़े और बहुत सारी चीज़ें बाहर इम्पोर्ट होना एक्सपोर्ट होना बहुत शुरू हो गया बाहर के देशों में हमारा सामान बिकना शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर वन के दौरान बट जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो फिर से ब्रिटेन से फैक्ट्री से बना हुआ इम्पोर्ट गुड्स हमारे यहाँ आने लग गए अब जब हमारे यहाँ सामान इम्पोर्ट होके आता है तो हमारे लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तो बहुत नुकसान हो रहा था ना कि उनको कंपीट करना पड़ा था फॉरन गुड के साथ में तो इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी बार पार्टिसिपेट करा बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपनी बात सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट ने पार्टिसिपेट करा और उनकी डिमांड क्या थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट उन्हें लगा कि अगर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उनकी डिमांड्स रखेगी कि ब्रिटिशर्स इंपोर्ट कराने बंद करवा दें ठीक है और जो रुपी का जो एक्सचेंज रेशियो है वो कुछ अच्छा हो जाए जैसे आपको पता है हमेशा डॉलर और रुपीज़ का या जितनी भी कोई करेंसी होती है उनका हम कंपेरिजन रेशियो है एक्सचेंज रेशियो है इंडियन रुपी की वैल्यू थोड़ी बढ़े जिससे हमारे इंडस्ट्रियल पैसा कमा पाए तो उन्होंने दो डिमांड थी उनकी कि एक तो रुपी की जो एक्सचेंज रेशियो है वो कुछ अच्छा हो जाए और जो है प्रोटेक्शन मिल जाए उन्हें अगेंस्ट द इम्पोर्ट तो इसके लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपनी दो फेडरेशंस भी बनाई अब वो अपने आप को फेडरेशन में क्यों बनाते थे जिससे वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को इफेक्ट कर पाए तो दो फेडरेशन बनाई थी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स ने आपको याद रखनी है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई थी 1920 में और एफ आई सी सी आई बनाई थी दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन ये दोनों फेडरेशन बनाई थी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी डी बिरला ने सो so दैट जो है वो ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुंस कर पाए अपनी बातें मनवा पाएं उनसे एंड उन्होंने ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिफ्यूज़ कर दिया था बाय करने को और सेल करने को किसी भी इंपॉर्टेड गुड को एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मूवमेंट ना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन पर पैसा बहुत था तो ये जो है इन मूवमेंट uh, में पैसा भी बहुत देते थे फंड देते थे ये तो फर्स्ट फेज पड़ा था अब पड़ते हैं सेकंड फेज जब सिविल डिस मूवमेंट टू आया जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटे थे और उन्होंने देखा ना कि मेरी तो कोई बात इन्होंने मानी नहीं है ऊपर से और ब्रूटल रिप्रेशन कर दिया तो उन्होंने मूवमेंट दोबारा लॉन्च करा था तो जब सिविल मूवमेंट टू लॉन्च हुआ तब इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट नहीं करा क्यों नहीं करा ये देखो दे डिड नॉट शो इंटरेस्ट सेकेंड टाइम द मूवमेंट वॉज रीलॉन्च ड्यू टू फॉलोइंग रीजन क्या रीजन थे दे वर अफ्रेड ऑफ वायलेंस उन्हें लगा मूवमेंट लॉन्च होगा तो वायलेंस होगा वायलेंस होगा लोग काम नहीं करेंगे वायलेंस होगा लोग इतना ज्यादा जो है उन उनपे पैसे भी नहीं होते कमाई नहीं हो रही होती है खर्चा भी नहीं करेंगे ठीक

तो अब पढ़ते फैक्ट्री वर्कर्स का क्या रिस्पॉन्स था तो जैसे कि वहां था ना फार्मर्स में अगर रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करा तो पुअर ने नहीं करा अब यहाँ पे भी सेम ले लो आप क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट करा तो वर्कर नहीं करेंगे क्योंकि वर्कर के लिए अत्याचारी कौन होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं करे अच्छी वेजेस नहीं दे रहे हैं जैसे पुअर फार्मर के लिए उनका ऑपरेसर कौन था रिच फार्मर वैसे ही हमारे ये वर्कर्स के लिए उनका ऑपरेशर कौन था बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वुड बी अगेंस्ट द बिजनेस क्लास समझ गए ना आप तो उनकी डिमांड ब्रिटिशर्स से नहीं थी बिजनेस से थी आप समझ गए okay. एक बार आपको फिर से समझाती जो रिच पीजेंट्स थे और जो पुअर पीजेंट्स थे पुअर को अप्रेसर कोस उप्रेस कौन करता था रिच पीजेंट्स करते थे अब कांग्रेस जो है रिच पीजेंट्स के साइड हो गए तो पुअर पीजेंट्स ने कम रोल दिखाया अपना सी में अब ऐसे ही बिग बिजनेसमैन बिग बिजनेसमैन ऑप्रेस करते हैं किनको फैक्ट्री के वर्कर्स को क्यों उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं देते हैं उन्हें ज्यादा पैसा नहीं देते हैं काम करने का तो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ऑप्रेसर कौन हो गया बिग बिजनेसमैन अब बिग बिजनेसमैन के साथ में कांग्रेस बहुत क्लोज थी तो इसलिए फैक्ट्री वर्कर्स ने भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया सी में बट कहीं सिक... कहीं पर करा था जैसे कि नागपुर रीजन में करा था वर्कर्स ने सपोर्ट और काफ़ी सारे एरियाज़ में कुछ वर्कर्स ने क्या करा था गांधी जी के जितने प्रोग्राम्स थे आइडियाज़ पे उन पर वर्क करा बॉयकआउट करा फॉरेन गुड्स को और उन्होंने सी डी एम मूवमेंट में डिमांड्स करी किसकी कि पुअर वर्किंग कंडीशंस हटाई जाए और लो वेजेस कम नहीं दी जाए अच्छी वेजेस दी जाए वर्कर्स को ठीक है और कहाँ कहाँ पर स्ट्राइक हुई ड्यूरिंग द सी डी एम मूवमेंट वर्कर्स स्ट्राइक ठीक है अब वर्कर्स का एग्जाम्पल आता है कि वर्कर्स ने कहा कहाँ पर पार्टिसिपेट करा था इंडिया में इन द सी डी एम तो रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक हुई थी नाइनटीन थर्टी डॉक वर्कर्स की स्ट्राइक हुई थी नाइनटीन थर्टी टू में एंड नाइनटीन थर्टीज में बहुत सारे वर्कर जो छोटा नागपुर टिन माइन्स में काम करते थे उन्होंने गांधी की कैप्स पहनी और उन्होंने रैलीस करी और प्रोटेस्ट करे बट किसी भी वर्कर रैली पे किसी भी वर्कर प्रोटेस्ट पर जो हमारी कांग्रेस थी उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं करा और ना ही किसी भी वर्कर की डिमांड को ऊपर रखा कांग्रेस ने क्यों नहीं रखा समझ जाओ कांग्रेस बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करी थी वर्कर की डिमांड किससे थी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट से ही थी वो कह रहे अच्छी वेजेस दो अच्छी वर्किंग कंडीशन दो और वहाँ कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ पे थी क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे थे फंड दे रहे थे मूवमेंट्स के लिए तो इसलिए अगर वो वर्कर की डिमांड ऊपर करती तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते और मूवमेंट फिर नहीं हो पाता तो इसलिए कांग्रेस ने ज्यादा किसको जो है सपोर्ट करा बिग बिग इंडस्ट्रियल नेक्स्ट वुमेन का पार्टिसिपेशन किया था तो वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा का इस सी डी मूवमेंट में वुमेन को भी जो है पुलिस स्टेशंस ले जाया गया जेल में रखा गया मारा गया वुमेन्स ने बहुत पार्टिसिपेट करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रूरल एरियाज़ में रिच पीजेंट्स जो थे अमीर अमीर पीजेंट्स के घर की जो लेडीज थी उन्होंने करा एंड अर्बन एरिया में हाई कास्ट की जो वुमेन थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा अब उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्टज़ एंड केम आउट टू लिसन गांधी जी गांधी जी को सुनने आती थी प्रोटेस्ट में रैलियों में जाती थी उन्होंने सॉल्ट बनाया उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो सॉल्ट हो रही थी ना सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की उन्होंने सॉल्ट बनाया समुद्र में से फौरन क्लोथ्स को जलाया पिकेट करा शॉक शॉप्स को और काफ़ी सारी जेल भी गई बट फिर भी वुमेन को जो है कोई पोजीशन कोई अथॉरिटी नहीं दी गई डिस्पाइट उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन उन्होंने पार्टिसिपेशन करा बट उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं दी तो वुमेन ने पार्टिसिपेट तो बहुत करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बट ना ही गांधी जी ने ना ही कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट करा गांधी जी ये मानते थे अत्याट वुमेन का असली काम क्या कि वो घर में रहें अपने घर की देखभाल करें बच्चों की देखभाल करें एंड कांग्रेस भी जैसे आपको पता है उस जमाने में जेंडर बेस्ड बहुत ही इनक्वालिटी थी मैन वुमेन में बहुत इनक्वालिटीज होती थी तो कांग्रेस भी कोई अच्छी पोजीशन अभी तक अपनी पार्टी में भी किसी वुमेन को नहीं दी थी कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन कांग्रेस भी वुमेन को नहीं दे रहा था तो यहाँ पे हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्टिसिपेशन पढ़ लिया सबका रिच फार्मर्स का पुअर फार्मर्स का इंडस्ट्रियलिस्ट का वर्कर्स का एंड वुमेन का, का ठीक है अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियस मूवमेंट इसमें हम पढ़ेंगे वो कम्युनिटीज जिनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था पार्टिसिपेशन नहीं था किसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एंड उसके भी अलग अलग रीजंस थे तो पहली कम्युनिटी है दलित्स ठीक है एंड दूसरी है मुस्लिम कम्युनिटी तो दलित्स जो थे गाइस उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा किसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, में क्योंकि गाइस जो कांग्रेस थी उसको जो है बेसिकली कांग्रेस में सबसे ज्यादा कौन थे हाई कास्ट हिंदू थे जिन्हें सनातनीस कहते हैं ठीक है अब अगर कांग्रेस दलित्स के साथ जाती तो क्या होता हाई कास्ट हिंदूज अपना सपोर्ट निकाल देते ठीक है तो कांग्रेस कभी भी दलित को सपोर्ट नहीं करती थी एंड आपको पता है हमारी कंट्री में क्या थी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी दलित के साथ कितना ज़्यादा जो है आप कह सकते हो गलत सलूक होता था उनको जो है आ, बिल्कुल भी आ, किसी भी एरिया में एंटर नहीं करे टेम्पल हो गया या कुएं में से पानी नहीं लिए पता नहीं क्या क्या होता था अटिबिलिटी के नाम पे हमारी कंट्री पे दलित साथ में तो इसलिए जो हाई कास्ट हिंदू थे उस वो सारे के सारे कांग्रेस में थे तो इसलिए कांग्रेस कभी भी दलित को जो है साथ में लेते हुए नहीं चलती थी बट महात्मा गांधी ने दलित की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत स्टेप्स लिए सबसे पहले तो महात्मा गांधी दलित को दलित नहीं कहते थे उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया दैट इज हरिजन्स यानी कि भगवान के बच्चे ठीक है एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो सत्याग्रह के दौरान उन्होंने ये शो करा दैट uh, दलित जो काम कर रहे थे यानी कि टॉयलेट साफ करना सड़कें साफ करना कोई छोटा काम नहीं है सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो हर एक को कोई ना कोई काम करने का कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है तो इसलिए उनके वर्क को डिग्निफाई करने के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए गांधी जी ने खुद भी टॉयलेट साफ करे सड़कें साफ़ करें टैंक साफ करें एंड उन्होंने कन्विंस करना चाहा अपर कास्ट हिंदू को सनातनी को कि अनटचेबिलिटी खत्म करो ये कुछ नहीं है कि ये छोटा काम है ये बड़ा काम है, नहीं ऑल आर इक्वल और गांधी जी ने तो ये भी कि टचेबिलिटी जैसे ईवेल को अपनी कंट्री से नहीं हटाएंगे तब तो तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी रियल सेंस में तो अब जो दलित के लीडर थे कौन बी आर अंबेडकर जी तो दलित के जो लीडर थे बी आर अंबेकर जी वो चाह रहे थे कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिले इसका यानी कि जो दलित की कंडीशन है उसको अच्छा करने के लिए जो है एक इंप्रूव करने के लिए कंडीशन को कि उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले उसके लिए उन्हें पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए था बी आर अंबेडकर तो इस... जी उन्होंने ब्रिटिशर्स से डिमांड करी दलित के लिए सबसे पहले तो रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो स्कूल कॉलेजेस है वहां पर दलित के लिए सीटें रिजर्व हो ठीक है और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग से इलेक्शन हो दलित के और इसलिए जो है दलित्स ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा एंड इवन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी गैस चलो उसके बारे में बाद में बताऊंगी जो बी आर अम्बेडकर जी थे उन्होंने दलित्स को एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी बना दी थी नाइनटीन में एक एसोसिएशन बना दी जिसमें सारे दलित्स के लिए हक में उनके बात की जाती थी एंड जो गांधी जी थे उनके साथ में क्लैश कर जाते हैं बी आर अम्बेडकर जी इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखो जो सर जी कर ने ब्रिटिशर्स से डिमांड करी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट और ब्रिटिशर्स ने डिमांड मान भी ली वो तो चाह ही रहे थे कि डिवाइड एंड एंडो जहां दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाती है आप समझो कि हमारा फ्रीडम होना और मुश्किल हो जाता क्यों क्योंकि गाय अभी तक फ्रीडम मिला भी नहीं और पहले ही अलग से इलेक्शन होने की बात हो गई तो उससे एलियनेशन की फीलिंग आ जाती पूरी कंट्री में और हमें क्या करना था कंट्री को यूनाइट करके मास स्ट्रगल करना था तो इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिशर्स ने तो मान सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात बट गांधी जी जो थे उन्होंने अपोज़ करा इसको एंड बी आर अम्बेडकर जी गांधी जी को बहुत मानते थे तो गांधी जी ने क्या कहा मैं फास्ट अंटिल डेट करूँगा सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं होने दूंगा तो अब गांधी जी की ऐसी सिचुएशन देखिए बी आर अम्बेडकर जी भी मान जाते हैं एंड साइन होता है गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक वेरी पॉपुलर पैक्ट जिसको आप कहते हो पूना पैक्ट अब ये पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर जी के बीच में गांधी जी कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे यानी कि दलित्स के अलग से इलेक्शन नहीं होंगे बट जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो जो दलित्स हैं उनके लिए रिजर्व हो जाएंगी सीटें स्टेट एंड सेंट्रल काउंसिल में यानी कि जो स्टेट के इलेक्शन होंगे उसमें भी जो स्टेट के इलेक्शन होंगे यूपी बिहार एम जब उनके इलेक्शन होंगे वहां पर भी दलित्स के लिए सीटें रिजर्व होंगी और जो सेंट्रल के इलेक्शन जो हमारे प्रधानमंत्री चुनने के लिए जो इलेक्शन होते हैं पूरा सेंटर का इलेक्शन उसमें भी दलित के लिए सीटें जो है रिजर्व हो जाएगी बट इलेक्शन इकट्ठे पैक वो साइन बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अंबेडकर जी और वो साइन क्यों किया क्योंकि बी आर अंबेडकर जी ने जब सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड करी तो ब्रिटिशर्स मान गए थे बट उससे क्या होता हमारा इंडिया और डिवाइड हो जाता और शायद और हमारा फ्रीडम स्ट्रगल और डिफिकल्ट हो जाता है तो जब गांधी जी ने फास्ट अंटिल डेथ करा तो बी एन अम्बेडकर जी ने उनकी बात मानी एंड पूना पैक्ट के थ्रू हमने जो दलित थे उनके लिए रिजर्व सीट्स कर दी दोनों ही इलेक्शन में सेंटर के भी और स्टेट के भी तो यहाँ पूना पैक्ट कंप्लीट और दलित्स का जो हमने सी में क्यों सपोर्ट इतना नहीं था क्यों पार्टिसिपेशन नहीं था वो हम समझ गए ठीक है अब हम पढ़ते हैं अगर इस मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं था तो देखो मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी ल्यूकॉम था क्योंकि एनसीएम जो था नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो था क्योंकि खिलाफत इशू रेज हुआ था तब तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे आए थे बट उसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम जो है इकट्ठे भी नहीं हो पाए और ज्यादा मुस्लिम स्टेडियम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्यों अगेन द सेम रीज़न क्योंकि जो कांग्रेस थी uh, कांग्रेस में उस समय बहुत ज़्यादा हिंदू सनातनीस थे अब जो हिंदू थे uh, उनको कांग्रेस सपोर्ट करती थी, थी तो मुस्लिम एलियनेटेड फील करते थे एंड इवन जो कांग्रेस थी उसके कनेक्शन थे हिंदू महासभा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाने को प्रेफर करते थे तो जब उनके उनसे ज्यादा टाइज थे कांग्रेस के तो इसलिए मुस्लिम्स एलियटेड फील करते थे मुस्लिम्स को ऐसा लगता था कि अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो जो है हिंदूज का कल्चर डोमिनेट होने लग जाएगा एंड दे विल फील एलियनेटेड आफ्टरवर्ड्स तो काफी सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो है हिंदूज एंड मुस्लिम कभी इकट्ठे नहीं हो पाए इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती थी कि कई एरियाज में हिंदूज एंड मुस्लिम के राइट भी हो जाते थे तो okay, इसलिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में काफी एलियनेशन की फीलिंग्स एंड एट टाइम्स राइट भी हुए ठीक है तो इसलिए सीडीएम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था बट देखो गाइस कई बार जो मुस्लिम लीग एंड जो कांग्रेस है उन्होंने कोशिश करी हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी बनाने के लिए ठीक है अब मुस्लिम्स के क्वेश्चन यही होता था हमेशा कि फ्यूचर में क्या होगा मुस्लिम्स का स्टेटस इन इंडिया तो इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन मांगा इवन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे 1927 में यूनिटी के लिए काफ़ी वर्क करा गया हिंदू एंड मुस्लिम की मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने भी पहले सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करी थी कि मुस्लिम्स के लिए अलग से वोट हो अलग इलेक्टोरेट हो जाए दलित के लिए बी आर अम्बेडकर ने करी थी तो मोहम्मद अली जिन्हा ने कहा कि वो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसको गिव अप कर देंगे ठीक है वो नहीं मांगेंगे वो उसके बदले उन्हें दो चीज दे दी जाए क्या पहली तो हो रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल असेंबली जो सेंटर के इलेक्शन होंगे उसमें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हो जाए सीट बट जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब एंड बंगाल वहां पे जो हमें प्रपोर्शन मिले वो मिले इक्वल टू द पॉपुलेशन जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन हो उसी के हिसाब से सीटें मिले तो दो चीज़ उन्होंने मांगी उन्होंने कहा कि ज... सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को वो गिव अप कर देंगे उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए मुस्लिम्स के लिए दो चीज़ें चाहिए रिजर्वेशन चाहिए सेंट्रल असेंबली में और बंगाल और पंजाब जहाँ पर मुस्लिम ऑलरेडी डोमिनेटेड है उन एरियाज में प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन मिल जाए मुस्लिम्स को तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगी ये डिमांड करी हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने बट गाइज इन दोनों डिमांड्स का जो कुछ भी ये कुछ होप लग रही थी कि शायद मुस्लिम एंड हिंदू की यूनिटी अच्छी सी हो जाए दोबारा से फिर से मुस्लिम एंड हिंदू तब उस ज़माने में करीब आ जाए तो वो सब होप्स जो हैं सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है कब जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है नाइनटीन में तो देखो नाइनटीन में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कोशिश करी यूनिटी लाने की डिफरेंसेस खत्म करने की जिन्होंने भी कहा कि हम जो है डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की छोड़ देंगे हमें ये दो चीज़ें दे दो बट 1928 में सारी होप्स जो हैं सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है क्यों क्योंकि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर जैसे सब लीडर्स आपस में भाषण देते हैं तो उस कॉन्फ्रेंस में नाइनटीन में एम आर जयकर हिंदू महासभा के एक लीडर एम आर जयकर ने कहा दैट ये उन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा इसको दैट जो कुछ भी मुस्लिम ने डिमांड करा एंड फाइनली जो कुछ भी होप थी कि शायद मुस्लिम एंड हिंदूज की यूनिटी हो जाएगी सी से पहले वो नहीं हो पाई एंड धीरे धीरे एलियनेशन फील करने लगे मुस्लिम्स इन इंडिया उन्हें लगने लगा कि जब इंडिपेंडेंस भी हो जाएगा तो मुस्लिम्स का क्या होगा कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा बिकॉज इंडिया में सिर्फ हिंदूज नहीं थे मुस्लिम्स भी थे सिक्स भी थे और क्रिश्चियंस भी थे बहुत सारे कम्युनिटीज़ थी ठीक है तो इसलिए जब सी लॉन्च हुआ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तो उसमें मुस्लिम्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था तो विद दिस गाइस हमने पढ़ लिया है सी उसकी लिमिटेशंस थी देखो ये सी की सी शायद और ज़्यादा बड़े लेवल पर सक्सेसफुल होता अगर उसमें दलित भी होते और मुस्लिम्स भी होते तो ये लिमिटेशन थी कमियां थी सिविल मूवमेंट की अब हमने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट पढ़ लिया है अब हमें पढ़ना है अपना फोर्थ टॉपिक द सेंस ऑफ कलेक्टिव द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे ऐसी फीलिंग आई सभी इंडियंस में दैट वी आर इंडियंस हम सब एक हैं हमारा ओप्रेसर एक है हमारा अत्याचारी एक है, है हम सबको मिल बांट के इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा तो वो फीलिंग किसके थ्रू डेवलप हुई कैसे डेवलप हुई ये हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में और क्या क्या सिम्बल्स uh, ने इमेजेस ने हेल्प करी वो फीलिंग को इंक्रीज करने में तो सबसे पहली चीज़ थी यूनाइटेड स्ट्रगल जब लोगों को एहसास हुआ कि वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं कि उनकी लड़ाई अलग नहीं है चाहे कोई साउथ में रह रहा है चाहे कोई नॉर्थ में रह रहा है कोई ईस्ट में रह रहा चाहे कोई वेस्ट में रह रहा है हर एक का ओप्रेसर अत्याचारी कौन है ब्रिटिशर्स हैं तो जब सबका अत्याचारी एक तो सब इकट्ठे मिलकर उस अत्याचारी के खिलाफ लड़ने चाहिए तो जब लोगों को समझ में आया कि यूनाइटेड स्ट्रगल है हमारे सामने तब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई एंड देन पीपल केम टुगेदर फॉर द मूवमेंट्स ठीक है और फॉर द आप समझ सकते हो कि लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स से सब लोग इकट्ठे आए अब यहाँ पे आप देखो ये इमेज दे रखी है साथ के साथ देख लेते हैं ये इमेज किसकी है ये इमेज है बाल गंगाधर तिलक की इन अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी अब यहाँ पे आप देखो ये जो बॉर्डर है इसका इसको किस तरीके से डिज़ाइन करा गया है यहाँ पर सभी सिम्बल्स लगा रखे हैं यानी कि इंस्टीट्यूशन्स बना रखे हैं जैसे कि ऑफ डिफरेंट फेथ्स जैसे टेम्पल बना हुआ है चर्च बना है मस्जिद बना है ये दिखाने के लिए दैट इंडिया में सभी धर्म के राज है समझ गए आप सभी इधर में एक समान है वो प्रेजेंट करने के लिए इसके बॉर्डर में जो है मंदिर मस्जिद चर्च जो है उसको डिपेक्ट करा गया है ठीक है ऐसी ही इमेजेस यूज़ करी जाती थी हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इकट्ठा लाने के लिए कम्युनिटीज़ को पास में लाने के लिए एंड नेशनलिज्म की फीलिंग्स इंक्रीज करने के लिए तो सबसे पहला कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का तरीका क्या था लाने का फर्स्ट इज इमेजेस ठीक है तो सबसे पहले आपको एलीगरी याद है हमने पढ़ी थी फ्रांस में एलिगरी बनी थी मैरियन और जर्मनी की एलिगरी बनी जर्मेनिया ऐसे ही इंडिया की एलिगरी बनाई गई यानी कि भारत माता जब लोगों ने कनेक्ट करा उस इमेज से भारत माता की इमेज से दिस हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई द नेशन उन्हें समझ में आया कि ये हमारा भारत है ये धरती हमारी है ये भारत माता है और हाँ इस पर हमें ही रूल करने का हक है इन द नाइनटीन सेंचुरी भारत माता की जो एक विजुअल इमेज थी वो बनाई गई द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय चंद्र चट्टोपाध्याय हु ऑल्सो रोट वंदे मातरम तो गाइज वंदे मातरम अभी जब मैंने अभी आपको स्टार्ट करा था चैप्टर मैंने कहा था कि जब कभी कोई नेशनलिस्ट के जैसे कोई सॉन्ग सुन लेते हो आप वंदे मातरम या कोई और नेशनल सॉन्ग सुन लेते हो तो ऐसे घुसबम से आने लगते हैं हमारे को की देशभक्ति की फीलिंग आती है ठीक है तो यही चीज है देखो आप उस जमाने में जब बंकिम चंद चतुपाध्या ने वंदे मातरम को लिखा था कब लिखा था उन्होंने उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के दौरान लिखा था बंगाल में से रोज गाया जाता था ठीक है तो वंदे मातरम सॉन्ग सॉन्ग्स के थ्रू इमेजेस के थ्रू लोगों के मन में नेसिजम की फीलिंग को इंक्रीज करा गया लेटर ऑन बंगीमचंद चट्टोपाध्याय का सॉन्ग वंदे मातरम उनकी एक नॉवल में भी लिखा गया था तो वो मुझे आप कमेंट में बताओगे दिस इज योर होमवर्क ठीक है अब आगे मूव ऑन करते हैं जो इमेजेस थी बनाई गई थी हमारी भारत माता की तो पहली इमेज थी एस्केटिक इमेज यानी कि ये इमेज में भारत माता को काफी डिवाइन दिखाया गया मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट नाथ टेगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता ठीक है इस पेंटिंग में भारत माता को पोर्ट्रे करा गया काम बहुत ही शान डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फिगर की तरह उनको ऐसा शो करा गया है आ, मतलब कैसी क्वालिटी दिखाई जा रही है स्केटिक क्वालिटी स्केटिक मतलब तपस्वी की क्वालिटी अब वो देखो आप एक हाथ में माला है तो काफी ही काम डिवाइन और स्पिरिचुअल फिगर दिखाई गई फर्स्ट इमेज जो थी हमारी भारत माता की देन धीरे धीरे बहुत सारे आर्टिस्ट ने अलग अलग इमेजेस बनाई भारत माता की ठीक है सबसेक्वेंटली ये एक इमेज है भारत माता की जो पार एंड अथॉरिटी शो कर रही है भारत माता झंडा लेके हमारे शेर भी है हाथी भी है ये पावर शो कर रहे हैं साथ में ठीक है ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस बनी हमारी भारत माता की जो सेंटीमेंट्स जगाने के लिए इंडियंस की जो है एलिगरीज जो बनाई गई ठीक है नेक्स्ट हमारे सेंटीमेंट जगाने का काम करा फोक लोर अब ये फोक लोर क्या होती है फोक लोर मतलब लोकल कहानियां देखो एक तो एपिक होती है जैसे रामायण एंड महाभारत जिसके बारे में सब जानते हैं बट कुछ होती है फोक यानी कि जो लोकल कहानियाँ होती है जो ट्रेडिशनल बिलीव पे बेस्ड होती है और लोकल स्टोरीज होती है तो हमारे इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग विलेज़ में विज़िट करा और वहाँ से लोगों की उनकी लोकल कहानियाँ जानी गाँव में जाकर जो लोगों की पुरानी पुरानी कहानियाँ हैं उनको जाना और हमारी कंट्री का जो लिच कल्चर था कितना तो रिच कल्चर था उसको एक तरीके से असेंबल करने का काम करा क्योंकि देखो ये ब्रिटिशर्स ना इन्होंने हमें बहुत नीचा दिखाया इन्होंने हमें दिखाया कि हमारा खुद का तो कोई कल्चर पास्ट है ही नहीं हमारा कोई लिटरेचर नहीं है कोई हमारी हिस्ट्री नहीं है और हम खुद को रूल भी नहीं कर सकते हैं इन्होंने एक तरीके से हमें बहुत बैकवर्ड एंड डीमोटिवेटेड फील कराया बट वी हैड अ ग्रेट रिच कल्चरल पास्ट हम सोने की चिड़िया थे हमारे पास इतनी कहानियाँ इतना ज्ञान है जो हम कभी असेंबल भी नहीं कर सकते समझ गए आप तो इसीलिए जो है हमारे लीडर्स गए विलेजेस में और उन्होंने लेजेंड्स के बारे में लोकल एंड फोक टेल्स को जाना और ट्रू कल्चर जो है इंडिया को उसको शो करने की कोशिश करी एंड दे कंसिडर इट एसेंशियल टू प्रिजर्व इट सो दैट आगे चल के हम भी अपने पास के बारे में पढ़ पढ़वा अगर तब जाके लीडर्स ने पुरानी बातों को लिखा ना होता तो हम कैसे जान पाते अपने रिच कल्चर पास के बारे में तो आगे चल के हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए भी उन्होंने उसे कलेक्ट करा एग्जाम्पल एस... में आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टेगोर ने क्या करा उन्होंने जितनी भी लोकल राइम्स थी पोएम्स थी कहानियाँ थी उनको इकट्ठा करना शुरू करा एंड फोक लोर रिवाइवल करा बंगाल में एंड अगर हम सदरन इंडिया की बात करें तो नतेसी शास्त्री इन्होंने तमिल में बहुत सारी जितनी भी फोक लोर्स थी उनको जो है इकट्ठा करा और एक पब्लिश करी चार वॉल्यूम की बुक काफ़ी बड़ी बुक इन्होंने लॉन्च करी जिसमें कलेक्शन था तमिल की सभी फोक टेल्स का इसको बोला जाता है द फ्लोक ऑफ साउथ इंडिया तो साउथ इंडिया की जितनी पुरानी पुरानी लेजेंड्स की कहानियाँ हो गई और लोकल कहानियाँ हो गई उनको इन्होंने जाना उनको इन्होंने सुना इकट्ठा करा और उनको एक बुक में एक वॉल्यूम बना के पब्लिश करा किसने नतेसी शास्त्री ने तो एक फोक लोर्स ने भी बहुत ज़्यादा नेशनल से सेंडिजाइन को इंक्रीज करने में हेल्प करा अब नेक्स्ट आता है हमारा थ्रू फ्लैग्स तो देखो फ्लैग्स डिज़ाइन होते थे जब भी कोई मूवमेंट होता था तो एक फ़्लैग डिज़ाइंस होते थे जिससे कि जो झंडा फहराए लोगों ने तो उनको नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हमारा एक झंडा जो था वो ड्रॉ हुआ था वो हम पहले देखते हैं ड्यूरिंग अ फ्रीडम मूवमेंट पीपल वैरिंग दीज फ्लैग दे एन होल्डिंग इट तो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान लोग इनको फहराते रहते थे इन झंडों को तो so, काफी टाइप के फ्लैग्स हमारे इंडिया में जो है वो डिजाइन uh, हुए सबसे पहला स्वदेशी फ्लैग जिसके बारे में हमें पढ़ना है दिस इज द स्वदेशी फ्लैग ये कैसा है ये ट्राई कलर है रेड ग्रीन एंड येलो ठीक है एट लोटस के सिम्बल इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड अ क्रीसेंट मून एंड अ सन क्रीसेंट मून मुस्लिम्स एंड और जो सन है वो हिंदू और इनकी जो यूनिटी है उसको डिपेक्ट कर रहा है ठीक है और जो एट लोटस है वो ब्रिटिश प्रोविंस इन इंडिया को डिपेक्ट कर रही है ठीक है तो विद दिस गाइस हमने स्वदेशी फ्लैग देख लिया नेक्स्ट था जो स्वराज फ्लैग उसकी पिक्चर में पेश कर हूँ दिस वॉज डिजाइंड बाय गांधी जी ये भी ट्राई कलर है रेड ग्रीन एंड वाइट एंड बीच में जो स्पिनिंग व्हील है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट सिंबल था हमारे इस इलाक का क्या ये स्पिनिंग व्हील चरखा ये क्या शो करा चरखा मतलब आप खुद से अपना काम कर रहे हो तो गांधी जी यही कहते थे कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है चरखा शो करता था सेल्फ रिलायंट कि अगर हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए अगर हम खुद पे निर्भर हो गए आत्मनिर्भर हो गए तो हमें फ्रीडम मिल जाएगी तो दिस वॉज द स्वदेशी फ्लैग अब गाइज हमारी नेक्स्ट वो क्या था जिसकी वजह से पहला हमने क्या पढ़ा यूनाइटेड स्ट्रगल की जब लोगों को फीलिंग आई तो नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी देन भारत माता की इमेज के थ्रू देन गीतों के थ्रू जैसे कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के थ्रू देन फोक के थ्रू देन हमने पढ़ा फ्लैग ने नेशनल सेंटिमेंट्स को इंक्रीज करा एंड लास्ट इज री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री तो वही जो मैंने आपको कहा कि हमारे को ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री भुला दी थी इन्होंने हमें सब भुलावा दिया मौर्य डेनेस्टी गुप्ता डेनेस्टी हरपन सिविलाइजेशन सब इंडिया से का है ठीक है वी हैर अ सो मच रिच कल्चरल पास बट इन्होंने आके हमें डिमोटिवेट करा कि हमें तो कुछ आता नहीं हम तो खुद को रूल ही नहीं कर सकते अरे हमारे राजा महाराजा सिर्फ हमें नहीं रूल करते थे पूरे देश विदेशों को रूल करते थे ठीक है कहाँ कहाँ हम ट्रेड करते थे और इन्होंने हमें कहा कि हमें तो ट्रेड करना नहीं आता हमें कुछ अपने आप को संभालना नहीं आता है डीमोटिवेटेड अस तो हमने क्या करा जब अपनी हिस्ट्री दोबारा जब नहीं। हमारे इंडियंस ने उस हिस्ट्री को दोबारा लिखा हमें अपनी अचीवमेंट्स पता चलेगा गाइस कि हमारा आर्किटेक्चर हो गया हमारा साइंस हमारी मैथमेटिक्स हमारा रिलीजन हमारी लॉ फिलोसफी उस ज़माने में भी कितनी ज़्यादा एडवांस थी और आ आके ये ब्रिटिशर्स हमें जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं तो हमने जब अपनी इंटरप्रिटेट करी हिस्ट्री दोबारा से दोबारा से अपनी हिस्ट्री को जाना पीछे जाके कि हम जो है हम कोई बैकवर्ड नहीं है हम खुद को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है रूल कर सकते हैं तो उससे हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग इनकी हमने कहा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ठीक है तो द हिस्ट्री इज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन द इंडियाज़ ग्रेट पास्ट हमें गर्व होने लग गया अपने पास के ऊपर एंड द स्ट्रगल टू चेंज दिये मिजरेबल कंडीशन और लोगों में एक जुनून हुआ क्या कि अब हम इन ब्रिटिशर्स को हटाएंगे यहाँ से क्योंकि हमारा इतना रिच कल्चर पास्ट है उस पर हमें गर्व हुआ और हमारे में एक जोश आया कि अब हम ब्रिटिशर्स को भगाते हैं तो ये हो गए हमारे फोर टू फाइव आप कह सकते हो की एलिमेंट जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को इंक्रीज करा तो ये दिस वाइज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब चैप्टर को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं हमने पढ़ा कैसे नेशनलिज्म फीलिंग इंक्रीज हुई जब हमने समझा हमारा ऑपरेसर एक है एंटी कोलोनियल मूवमेंट लॉन्च हुए फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा गांधी जी हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा लेकर आए बट मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ वायलेंस फिर सी डीएम लॉन्च हुआ सी डी एम भी जो है गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटली रिस्पॉन्ड करा तो अनसक्सेसफुल हो गया बट धीरे धीरे गए जो भी मूवमेंट्स हुए उसमें जो है लोगों को इतना समझ में आ गया था तो कि अब हम इन ब्रिटिशर्स को रूल नहीं करने देंगे हर कोई हर कोने से अपनी आवाज़ उठा रहा था एंड एक ही आवाज़ थी स्वतंत्र भारत yes, हमारे चैप्टर यहीं तक था अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पे हम नेक्स्ट किसी चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे तो विद दिस बबा टेक एंड बेस ऐसे अगर आपको क्लास टेन एस एस के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं टर्म वन एंड टर्म टू का फुल सलेबस पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ गिवन है मैंने डिजिटल बोर्ड पर दोबारा से सभी चैप्टर्स को रिक्रिएट कर दिया तो आप जाकर डिजिटल बोर्ड से वीडियोज़ पढ़ सकते हो मतलब तो तो वीडियोज़ तो देख सकते हो और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल जोग्रफी इवन इंग्लिश के या साइंस के तो आप मेरी इंस्टाग्राम आई चेक कर सकती हो वहाँ पर मैं नोट्स अपलोड करती हूँ सभी चैप्टर्स के सो यू कैन एक्सेस इट ठीक है और इंग्लिश एंड साइंस की भी प्लेलिस्ट गिवन है तो अगर आपको इंग्लिश टर्म एंड टर्म टू का सिलेबस पढ़ना है तो पढ़ सकते हो मेरे चैनल से एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सो नाउ आई एम गोइंग बाय टेक केयर बेस ऑफ लक एंड लॉक योर एग्जाम